यस गुड इवनिंग सभी को क्या हाल चाल है सब लोग के गुड इवनिंग भाई सभी को गुड इवनिंग आज मेरे सामने दो दो स्क्रीन्स हैं आज की क्लास यूट्यूब पर भी चल रही है और अपनी विनर्स ऐप पर भी चल रही है सो so, आज बहुत ही मज़ेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज शुरू करेंगे इसको आज हम कैसे हैं सब लोग बढ़िया हैं ओके <coughs> okay. सब लोग एकदम फाइन वॉइस ओके okay है जल्दी से बता दो यस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ओके सम्राट नो इशू गुड इवनिंग मैं एकदम बढ़िया लुकिंग फ्रेश ओके थैंक यू जयनेश हाँ आज की क्लास यूट्यूब पर भी चल रही है और विनर्स ऐप पर भी है ओके गुड इवनिंग शोभ शोभा फ्रॉम बिहार ओके हाँ जिस दिन से आप लेते हैं ना उस दिन से वैलिडिटी रहती है फ्रॉम परचेज डेट वहां से वन ईयर की वैलिडिटी रहती है सब कुछ ओके ओके संजीव बिल्कुल आशीर्वाद है विवेक पेट कोर्स के लिए आपको विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से हाँ हेमंत एम पी का भी बैच है प्रणाम कृष्णा एकदम बढ़िया <coughs> ओके चलिए सब कुछ ओके है ठीक है हाँ देखिए बीच बीच में हम लोग बातचीत करते रहेंगे और आज सिंपल इंटरेस्ट को हम अच्छे से समझेंगे ओके थैंक यू ओम प्रकाश आज कहीं से भी देख लो यूट्यूब से देख लो विनर्स ऐप से देख लो चलो ओके जय हिंद एक बार जल्दी से सब लोग प्रेजेंट लगाएंगे सब लोग लिखेंगे प्रेजेंट फ्रॉम कहां से आप हो आपकी प्रेजेंट में आपको दो चीजें बतानी है मतलब मेन आपको बताना है प्रेजेंट और उसके साथ लिखोगे आप फ्रॉम ओके यूट्यूब वाले भी और विनर्स ऐप वाले भी इसके बाद स्टार्ट करते हैं ओके वेरी गुड प्रकाश अच्छा हेमंत अभी लगा लेना अमृत बिल्कुल पंजाब का नाम भी लेंगे लिखो तो पंजाब प्रेजेंट फ्रॉम उज्जैन दिल्ली इंदौर ओके महाराष्ट्र प्रेजेंट फ्रॉम झारखंड कोलकाता आज तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट से सारे बच्चे हैं वेरी गुड ओके गुजरात उड़ीसा बंगाल झारखंड ये यूएसए से कौन है भाई <laughs> इंदौर बिहार एमपी ग्वालियर ओके okay, गुना ग्रेट ठीक है मैं दो दो स्क्रीन्स देख रहा हूँ थोड़ा सा अगर किसी का कमेंट मिस हो जाए तो बुरा मत मानना ठीक है ओके okay, उत्तराखंड त्रिपुरा हरियाणा नागदा यूपी झांसी भोपाल ओके वेरी गुड आजमगढ़ भिंड बड़ौदा चलो भाई बहुत सारे बच्चे हैं आज चलिए तो एनर्जी का लेवल एकदम हाई है आज और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए लास्ट में एक सरप्राइज है तो लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज क्या है चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास वंस अगेन सभी को गुड इवनिंग एकदम फुल एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं ठीक है ओके okay. चलिए देखिए हमारे टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखो दो टॉपिक हैं सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट के जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है और सिंपल इंटरेस्ट जैसा नाम है एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट वाकई में सिंपल है और कंपाउंड इंटरेस्ट उसका पूरा बैलेंस कर लेता है मतलब जितनी सिंप्लिसिटी इस टॉपिक में है कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही खतरनाक है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को भी अगर सही ढंग से पढ़ा जाए सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत मज़ेदार टॉपिक है ठीक है अब सिंपल इंटरेस्ट में हम बेसिक चीजें समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट में अगेन दो चीजें लगती हैं या तो आप इस चैप्टर को फॉर्मूले से कर सकते हो ठीक है या आप इस चैप्टर को रेशो से कर सकते हो ओके तो हम यहां पे ऑलमोस्ट आप मान के चलिए अच्छा एक और चीज है या इन दोनों से बेस्ट है लॉजिक यहां पे सिंपल इंटरेस्ट में ये चलेगा तो हम हमारे इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 95 फाइव परसेंट क्वेश्चन बल्कि मैं कहूंगा 98 एट परसेंट क्वेश्चन या तो वो लॉजिकल सॉल्व हो जाएगा या रेशो से सॉल्व हो जाएगा केवल दो परसेंट ऐसे क्वेश्चन है मतलब सौ में से दो परसेंट ऐसे क्वेश्चन है जहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला भी कौन सा वाला कोई बहुत ज्यादा नहीं ओनली वन सिंगल फॉर्मूला कौन सा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड वाला इसके अलावा मैं आपको कोई भी फॉर्मूले के बारे में यहां पे नहीं बताने वाला हूं ठीक है दो परसेंट क्वेश्चन फॉर्मूले से होते हैं जहां और देखो हम उन्हें लॉजिकल भी कर सकते हैं बट अगर फॉर्मूला लगा लें तो वो इजी हो जाते हैं इसलिए मैं वहां पे वो सजेस्ट करता हूं अदरवाइज नाइन एट परसेंट क्वेश्चन या तो हम रेशो लगा लेंगे या अपना लॉजिक लगा लेंगे ठीक है और ये वाला जो टॉपिक है ये पूरे तरीके से अगेन परसेंटेज और रेशो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका परसेंटेज का फंडा अगर क्लियर है रेशो का फंडा क्लियर है आपको कोई इश्यू नहीं आएगा ओके चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटी छोटी चीजों पर जैसे देखो सबसे पहले टर्म्स हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए है ना सबसे पहला प्रिंसिपल जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं मूलधन ठीक है दूसरा आपका आ जाएगा रेट और रेट को हम क्या कहते हैं समय सॉरी दर ठीक है तीसरा आ जाएगा आपका टाइम मीन्स समय चौथा हो जाएगा इंटरेस्ट मतलब ब्याज और अब ये साधारण ब्याज भी हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है और लास्ट है हमारा अमाउंट ठीक है अमाउंट मतलब क्या होता है मिश्रधन क्लियर है ओके okay, तो हम वन बाय वन इन टर्म्स को समझेंगे और अगर आपने इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपको फॉर्मूला समझना नहीं पड़ेगा कुछ रटना नहीं पड़ेगा ठीक है मेन हमें फोकस किस चीज पे करना है मेन हमें फोकस करना है इन टर्म्स पे और सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से समझ लेना नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको दिक्कत आएगी है ना क्योंकि टर्म्स और बेस सेम रहेगा टेक्निक में वहां पर चेंजेस आने हैं ओके okay? देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है या कहें तो हम मूलधन क्या होता है हमेशा आप याद रखिए प्रिंसिपल का मतलब होता है उधार दी गई या उधार ली गई राशि है ना बोरो किया है हमने या किसी आ, लेंट है वो उधार दिया है या उधार लिया है दोनों केस में जो पैसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल आपने किसी व्यक्ति को किसी दोस्त को वैसे दोस्त और तो, रिश्तेदारों को पैसा नहीं देना चाहिए ऐसा बुजुर्ग कहते हैं बाकी अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया है या आपने किसी से उधार लिया है तो दोनों केस में वो क्या कहलाता है मूलधन कहलाता है आपने बैंक से लोन लिया ये मूलधन है आपने कोई चीज फाइनेंस करवाई वो उसका प्रिंसिपल है वो मूलधन है मतलब उधार ली गई धनराशि जिस पर हमें ब्याज लगाना है उसे हम क्या बोलते हैं मूलधन तो मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करो आपने अपने किसी दोस्त को दस हजार रुपए दिए वैसे देना नहीं चाहिए पर दे दिए हो गई गलती ठीक है आपने किसी को दस हजार रुपए उधार दिए ये क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया ठीक है अब जब भी आप किसी को पैसा उधार दोगे या जब आपको कोई पैसा उधार देगा तो कोई भी फ्री में नहीं देता है आप उस पर कुछ ना कुछ फायदा चाहते हो कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना इसीलिए कॉन्सेप्ट किसका आया वहां पर कॉन्सेप्ट आया रेट का है ना तो आपने किसी को पैसा उधार दिया और आपने उससे कहा कि भाई मैं टेन परसेंट ठीक है दस प्रतिशत पर एन एम प्रति वर्ष ब्याज लूंगा पर एन एम कहें या हिंदी में इसको कहें प्रतिवर्ष ओके मतलब आपने जितना पैसा उधार दिया है उसका टेन परसेंट हर साल ब्याज लगेगा क्लियर है चलो सामने वाले ने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है मजबूरी है लेना पड़ेगा समय आपने उससे पूछा कि भाई कितने साल के लिए ले रहे हो तो उसने कहा कि तीन साल बाद में आपको पैसा वापस करूंगा ठीक है अब देखो फॉर्मूला कहां से बना जो हमने एक फॉर्मूला नहीं रटा है बचपन से कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड मैं देखता हूं कई बच्चे बचपन से इसको रटे हुए होते हैं पर कभी इतना भी नहीं सोचते कि क्या हम इसके बिना आंसर ला सकते हैं या ये बना कैसे होगा सिंपल ये परसेंटेज का कैलकुलेशन है यहां पे इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है आप एक बात बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है टेन परसेंट मतलब हर साल ब्याज कितना लगेगा दस परसेंट लगेगा तो अगर दस हजार रुपए आपने उधार दिए हैं टेन थाउजेंड रुपीज आपने किसी को उधार दिया है उसका टेन परसेंट कितना होता है एक हजार रुपए ठीक है तो इसका मतलब हर साल का ब्याज कितना होगा एक हजार होगा थाउजेंड होगा तीन साल का ब्याज कितना होगा तीन साल का ब्याज होगा तीन हजार रुपए इंटरेस्ट आ गया अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो बहुत अलग चीज हो जाती उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से बात करेंगे है ना अब जब पैसा वापस देने की बारी आई और अगर वो व्यक्ति आपको दस हजार रुपए उधार देगा वापस करेगा तो आप लोगे क्या आप बोलोगे दस हजार तो लेंगे पर ये तीन हजार ब्याज भी चाहिए मतलब टेन थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड आप उससे टोटल कितना पैसा वापस लोगे आप उससे लोगे थर्टीन थाउजेंड और ये थर्टीन थाउजेंड ही क्या कहलाता है मिश्रधन अमाउंट इसलिए हमने बचपन से पढ़ा है कि अमाउंट या मिश्रधन का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब मूलधन धन ब्याज ठीक है एकदम देखो मेरी आदत है मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाता हूं आप में से मैक्सिमम बच्चों को यह मतलब कॉन्सेप्ट के मतलब पता होंगे बट स्टिल एकदम जीरो मानकर मैं पढ़ाता हूं और आज के जो हमारे टाइप नंबर वन टू और थ्री रहेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे एक बार बेसिक अच्छा हो गया तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आती इसलिए हमेशा जीरो लेवल से मेरी पढ़ाने की आदत है कोई भी चैप्टर आप देखना एकदम जीरो से ही मैं पढ़ाऊंगा ठीक है अब एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर आप इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करते तो हम क्या करते भैया प्रिंसिपल रख देते कितना टेन थाउजेंड ओके रेट कितना रख देते टेन परसेंट परसेंट मतलब बटे में सौ और कितने साल का तीन साल का तो इसको आप कैलकुलेट करते हो तीन हजार रुपए ब्याज जा आ जाता है उसको आप जोड़ देते हो कर देते हो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा सोचो आप एक साल का इंटरेस्ट दे रहे हो टेन परसेंट एक साल का ब्याज कितना दे रहे हो दस परसेंट दे रहे हो तो तीन साल का इंटरेस्ट कितना एक साल का अगर दस परसेंट तो तीन साल का इंटरेस्ट कितना थर्टी परसेंट तो आप डायरेक्ट थर्टी परसेंट भी तो निकाल सकते हो तो हम इस फॉर्मूले में बेसिकली क्या कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो एक साल का इंटरेस्ट टेन तो तीन साल का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक साल का दस तो तीन साल का कितना 30, 30, तो आप थर्टी परसेंट ही तो निकाल रहे हो थर्टी को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्टीमेटली आप उसका थर्टी परसेंट निकाल रहे हो सॉल्व करोगे वही बात होगी तो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करो तो आप बिना फॉर्मूले के बिना ज्यादा लिखे कैलकुलेशन कर सकते हो बस प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगी क्लियर इतनी बात समझ में आ गई सभी को तो हम डायरेक्ट थर्टी परसेंट भी निकाल सकते हैं वो भी तीन हजार होगा अब मैं आपको फिर एक बात बताता हूं मेन चीज अब सुनना ध्यान से ठीक है देखो मैं आपको इसमें एक चीज ये सबसे खास बताना चाहता हूं कि प्रिंसिपल बहुत काम की चीज बता रहा हूं छोटी hey, सी आप बोलोगे सर इसमें खास क्या है पर क्वेश्चन इसलिए सबसे पहले करे और ये अगर अच्छे से हो गया हर चैप्टर आपका बहुत स्मूथ रहेगा हर चैप्टर में आपको मजा आएगा ठीक है अब सुनो प्रिंसिपल जो है वो हमेशा कितना परसेंट होता है हंड्रेड परसेंट एक साल का इंटरेस्ट अगर दस परसेंट है तो तीन साल का इंटरेस्ट कितना होगा थर्टी परसेंट होगा है ना? तो प्रिंसिपल आपने हंड्रेड परसेंट उधार दिया था इंटरेस्ट लग गया थर्टी परसेंट मतलब उसने मैं आपसे पूछूं कि जो पैसा उसने लौटाया वो परसेंटेज में कितना तो आप कहोगे कि सर उसने जो पैसा लौटाया वो कितना परसेंट है वो वन है समझ में आ रही है बात उसने जो पैसा लुटाया वो परसेंटेज में कितना तो आप कहेंगे वो 130 है क्योंकि 100 परसेंट जो पैसा था वो तो मिला मुझे 30 इंटरेस्ट भी तो मिला मतलब ये कितना परसेंट है 130 है 130 अब इसके आगे सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो इसका मतलब एक ये हुआ कि अगर दस मेरे पास है और मैं आपसे पूछू मिश्रधन बताओ अमाउंट बताओ तो आप कैलकुलेशन मन में कर सकते हो कि एक साल का दस तो तीन साल का तीस तो अगर मैं दस हजार रुपए का वन थर्टी परसेंट निकाल दूं, तो आप समझ जाओ कि आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल मतलब थर्टीन थाउजेंड ठीक है मैं टोटल परसेंट की बात कर रहा हूं परसेंटेज के अलावा भी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं करी है ठीक है अगर आप टेन परसेंट निकालोगे तो एक साल का इंटरेस्ट थर्टी परसेंट निकालोगे तीनों साल का इंटरेस्ट 130 परसेंट निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा अमाउंट मिल जाएगा मिश्र धन मिल जाएगा इतनी बात समझ में आ रही है कोई डाउट है यहां तक किसी को भी ठीक है तो आपको जो नोट्स मिलेंगे उसके लिए मैं इसकी फोटो ले लेता हूं तो अब आप समझ गए कि हम चाहें तो फॉर्मूला लगाएं फॉर्मूले को केवल एक या दो परसेंट हम यूज करेंगे मैक्सिमम केसेस में हम लॉजिकल ही पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ओके है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं उसके बाद फिर और बात करेंगे अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं बाकी अब मैं आपको क्वेश्चन करवाते करवाते समझाते जाऊंगा रेशो वाली मैथड अभी बची है अभी मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है रेशो से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस पर हम बात करेंगे ओके यस थैंक यू देवेंद्र अच्छा रमाशंकर चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है डाउट no बोबोई ओके okay. बताइए जल्दी से इसका आंसर बताओ सब लोग. ठीक है ओके okay, शानवी देखो इधर आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन कहा गया है एक रुपए का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट है टाइम थ्री इयर्स है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा पहला तरीका है P इन टू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड इससे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा अल्टीमेटली लॉजिक से ही फार्मूले बने कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसको प्रूव ना किया जा सके हर फॉर्मूले के पीछे लॉजिक है लॉजिक पकड़ लोगे फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा है ना सो देखिए आपको करना क्या है ये हो गया अगर हम डायरेक्ट सोचें कि एक साल का इंटरेस्ट आठ परसेंट है तो तीन साल का कितना तो आपको कुछ नहीं करना है वन डबल फोर जीरो का आपको कितना परसेंट निकालना है एक साल का आठ परसेंट तो तीन साल का कितना चौबीस तो आपको केवल चौबीस परसेंट निकालना है अब इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा और आपको थर्टी तक टेबल्स याद होने चाहिए नहीं है तो करो ठीक है चौबीस का चार गुना कितना होता है अभी एक दस बचा है इसका ध्यान रखना चौबीस का चार गुना कितना होता है छियानवे कैरी हो जाएगा आपका नाइन फिर 96 सिक्स छियानवे छियानवे में नौ जुड़ेगा 105 का पांच कैरी हो गया आपका 10, 24 और 10 कितना हो गया 34 और नीचे 10 बचा हुआ था मतलब यहां पे डेसिमल लगेगा आपका आंसर आएगा जो इंटरेस्ट है वो कितना है थ्री फोर फाइव पॉइंट सिक्स ओके है क्लियर है सभी को गुड ओके सो आंसर हो जाएगा ए अब अगर आपसे इसमें पूछा जाए अगर आपसे इसमें पूछा जाए रेशो की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे रेशो की जब जरूरत होगी ना मैं बताऊंगा रेशो मेथड से कैसे क्वेश्चंस करते हैं समझेंगे हम उसको है ना अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि बताइए वो कितनी धनराशि लौटाएगा वो कितना मिश्रधन हमें वापस करेगा तो हमें कुछ नहीं करना है ओके एक सेकेंड ये हमारा क्या आया था थ्री ठीक है अगर आपसे पूछा जाता कि मिश्रधन बताओ तो हम क्या करते हमें पता है कि प्रिंसिपल होता है 100% परसेंट इंटरेस्ट लगेगा 24% परसेंट तो अगर मैं इसका 124% परसेंट निकाल देता ठीक है तो मुझे इन दोनों का सम मिल जाता 24% परसेंट निकालोगे तो ब्याज मिलेगा 124% 124% परसेंट वन परसेंट निकालोगे तो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों एक साथ मिल जाते उस केस में इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आता वो आपका ये वन सेवन एट फाइव पॉइंट सिक्स जो भी प्लस करने पे आता तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो सीधा ये आंसर मिल जाएगा और ये क्या है हमारा अमाउंट है ये क्या है मिश्र है ओके चलो ग्रेट चलो आगे बढ़ते हैं है ना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अच्छा इसमें छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं रेशो मेथड का ओके, okay. जैसे हमारे पास यहां परसेंटेज दिया हुआ है एट परसेंट ठीक है रेशो वाली मेथड टोटल किस पे डिपेंड होती है टोटल डिपेंड होती है रेट पर है ना आपको रेट क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड रहेगा और रेशो से आप रेशो किस चीज का यहां पे बनाओगे प्रिंसिपल और अमाउंट का इसका आप रेशो बना सकते हो हिंदी में कहें तो मूलधन और मिश्रधन का अमाउंट बनेगा और ये किससे बनेगा ये बनेगा रेट से आपको रेट क्या दिया हुआ है जैसे आठ परसेंट सो एट परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8 अपॉन हंड्रेड और अगर इसको और कैंसिल किया जाए तो इसको हम कह सकते हैं 2 अपॉन ट्वेंटी फाइव चार से कैंसिल हो जाएगा दो बार चार से कैंसिल हो जाएगा 25 बार अब अगर इसका मतलब समझना है तो देखो ये हमेशा फिक्स है और ये हमारे लिए हमेशा होगा प्रिंसिपल और यह हमेशा होगा इंटरेस्ट ये क्या होगा आपका मूलधन और यह हमेशा क्या होगा व्याज इंटरेस्ट होगा ठीक है जैसे आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इसी चीज को क्या कर दिया था नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है परसेंटेज में हमने यही चीज क्या करी थी कि नीचे हमेशा आपका रियल नंबर होता है और ऊपर उसका डिक्रीज या इंक्रीज कमी या वृद्धि होती है क्लियर है तो इस चैप्टर में हमारे सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में यह कॉन्सेप्ट चलेगा कि अगर प्रिंसिपल 25 है ठीक है प्रिंसिपल अगर 25 है इस पर दो रुपए ब्याज लगेगा यह आठ परसेंट का मतलब है कि अगर पच्चीस रुपए उधार दोगे तो आठ परसेंट के हिसाब से कितना रुपए इंटरेस्ट लगेगा दो मतलब उसका रेशो क्या बनेगा ट्वेंटी फाइव रेशो ट्वेंटी सेवन समझ में आ रहा है ठीक है आगे मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा अभी मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाके कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं आगे हम इससे जब क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत अच्छे से दिमाग में ये बैठ जाएगा तो ये इसका मतलब होता है कि 25 पे दो रुपए ब्याज लगेगा क्योंकि ब्याज की दर वार्षिक है पर एनम है मतलब ये एक साल का ब्याज है तो 25 पे एक साल का ब्याज दो है तो तीन साल का कितना लगेगा छ लगेगा मतलब अगर आप पच्चीस उधार दोगे तो छह रुपए इंटरेस्ट लग के वो कितना बन जाएगा थर्टी वन बन जाएगा तो अब आपको आगे क्या करना है इसको 1440 को प्रिंसिपल 25 से डिवाइड करना है है और अगर आपसे केवल इंटरेस्ट पूछा तो सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट पूछा है तो थर्टी वन से, से मल्टीप्लाई कर, तो कर दो अगर नहीं समझ में आया है तो चिंता मत करना आगे मैं अच्छे से समझाऊंगा फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे इसका आंसर और बता दीजिए जल्दी से जल्दी करिए सब लोग इसका आंसर ठीक है बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाओ बहुत मजा आएगा बहुत अच्छे से आपको बनेगा और कभी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी अलग पूरा कवर करा दूंगा मैं आपको एक एक टाइप एक एक क्वेश्चन टफ हो कितना ही एडवांस लेवल का हो सारा करेंगे इसमें हम यस वो, वो करेक्ट है जब परसेंटेज टफ होगा ना तो हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज ईजी है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं यूट्यूब वाले ना ठीक है हर्ष आएंगे अभी क्लासेज आएंगी अभी शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है चलिए आगे आंसर क्या करेंगे आपको केवल फाइव फोर डबल जीरो रुपए है ओके एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट है तो फाइव ईयर्स का कितना तो डायरेक्ट सिक्सटी परसेंट निकाल दो आंसर आ जाएगा जीरो कैंसिल हो गया छह का मल्टीप्लाई कर दो छह और चार चौबीस का चार कैरी टू तीस और दो बत्तीस आपका आंसर आ जाएगा थ्री टू फोर जीरो कौन सा ऑप्शन है या ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज थ्री टू फोर जीरो समझ गए अगर 160 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा आपका मिश्रधन अमाउंट बन जाएगा ओके okay है इजी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन थे शुरुआत में रहेंगे आज की क्लास पूरे मिश्रेगा घंटे की है है ना वैसे डेली ही दो घंटे की क्लास होती है आप कैसे भी करके आज बस दो घंटे पूरा समझने की कोशिश करो नई एंड में आपको मजा आए तो आप बोलना है ना अभी शुरुआत के क्वेश्चन में मत जाओ अभी रुको चलो अब मैं आपको नेक्स्ट ये सिखाना चाहता हूं कि अगर कभी भी टाइम कभी भी समय आपके मन में आया होगा कि सर समय अगर समय कभी भी मंथ में हो मंथ्स में दिया रहे या टाइम अगर डेज में दिया रहे तो क्या करना है इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं इसके बाद फिर रेट पर आएंगे रेट अगर फ्रैक्शन में हो तो क्या करना है सारी चीजें सीखेंगे है ना तो अब हम फोकस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में समय मंथ्स में या डेज में हो तो क्या करना है ठीक है मैं आपको इसके दोनों तीनों जितने तरीके हो सकते हैं वो सब आपको बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा ठीक है आपसे कहा है कि सिक्सटी सिक्स थाउजेंड रुपीज है ओके और रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट और टाइम कितना है टाइम है टू इयर्स सिक्स मंथ ठीक है पहला ऑप्शन तो क्या है फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि सिक्सटी सिक्स थाउजेंड अपना कौन सा फॉर्मूले से अगर जाना है तो ईजी है इसलिए लगा लो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है तो तो ये हो आपका 10 upon 100 into, ultimately, two years, six का मतलब क्या होता है? है. ढाई साल ठीक ठीक तो अगर आप यहाँ पे रख दोगे आंसर आ जाएगा. छठ हजार रुपए पर टेन परसेंट के हिसाब से ढाई साल का इंटरेस्ट क्या होगा पर अगर यहां फाइव मंथ आ जाए फोर मंथ्स आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी है ना? तो एक तरीका तो यह है अगर सिक्स मंथ आया तो आप डायरेक्ट रख सकते हो आंसर आ जाएगा ठीक है अब हम आगे बढ़े सेकेंड हम क्या कर सकते हैं देखिए कभी भी आपको कुछ भी मंथ दिया रहे इसको आप हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो इसको भिन्न में बदल लो तो जैसे आपके पास टू इयर्स है सिक्स मंथ है कुछ भी मंथ में दिया रहे उसको हमेशा किससे डिवाइड करोगे ट्वेल्थ से मान लो क्वेश्चन होता थ्री इयर्स और थ्री मंथ्स तो आप क्या करते थ्री प्लस थ्री मंथ को ईयर में बदलना है तो किससे भाग देना पड़ेगा भाई यूनिट सेम होनी चाहिए ना ईयर और मंथ साथ, साथ नहीं होना चाहिए तो ईयर को तो ईयर रहने देंगे मंथ्स को हम कन्वर्ट कर देंगे ईयर में मतलब किससे डिवाइड कर देंगे ट्वेल्थ से ओके okay, तो ये क्या बनेगा आपका वन बाय टू टू इंटू टू प्लस वन कितना हो जाएगा फाइव बाई टू तो आप इसको रख दो क्या करोगे सिक्सटी सिक्स थाउजेंड इंटू टेन अपॉन हंड्रेड इंटू ये आ जाएगा आपका फाइव बाई टू कोई भी मंथ आ जाए उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और रख दो हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो ये सबसे आसान हो जाएगा यहां पे दो जीरो से हमारे ये दो जीरो कैंसिल हो गए दो से इसको कैंसिल कर दोगे थर्टी थ्री हंड्रेड आ जाएगा थर्टी थ्री हंड्रेड का फाइव टाइम्स कर दोगे दो जीरो पंद्रह का पांच कैरी वन और एक सोलह आपका आंसर आएगा सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है क्लियर है यहां तक सभी को गुड चलिए तो यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उम्मीद है आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी ठीक है अब देखो और क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं और हम यहां पे क्या कर सकते हैं मुझे निकालना है ढाई साल का पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का आधा करूंगा मैं क्योंकि ढाई साल का ब्याज निकालना है ना एक साल का ब्याज है दस तो पहले साल तो दस परसेंट ब्याज लगेगा दूसरे साल भी दस परसेंट ब्याज लगेगा लेकिन इसके बाद ढाई साल मतलब आधा ब्याज लगेगा कितना ब्याज लगेगा पांच तो टोटल ढाई साल में कितना ब्याज लगेगा पच्चीस परसेंट तो आप सिक्सटी सिक्स थाउजेंड का अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट निकाल दोगे तब भी आंसर वही आएगा ठीक है यह कैंसिल होगा चार बार चार से आप इसको डिवाइड कर दो एक ठीक है फिर कितना आ जाएगा चार इंटू छ चौबीस चार इंटू पाँच बीस और ये आ गया थाउजेंड फाइव हंड्रेड समझ में आया ये लॉजिक समझ में आया अगर ये आप करोगे तो कुछ भी नहीं करना था इतना अगर दिमाग में आ गया तो अगर मैं आपकी जगह होता डायरेक्ट चार से डिवाइड करता समझ में आ रही बात क्यों करते क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पहले साल का दस दूसरे साल का दस बीस हो गया और तीसरे साल का तो आधा लगेगा पच्चीस तो ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालना है और किसी भी नंबर का अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालना है मतलब किससे डिवाइड करना है चार से डायरेक्ट चार से डिवाइड कर देते हैं सिक्सटी सिक्स थाउजेंड का हाफ थर्टी थ्री थाउजेंड थर्टी थ्री थाउजेंड का हाफ सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऐसे भी कर सकते हैं क्लियर है समझ में आई बात तो कैसे भी लॉजिक लगा लो देखो क्योंकि अभी हम शुरुआत से कर रहे हैं सारी चीजें समझो आप अभी ये डिसाइड मत करो कि ये तरीका अच्छा है या वो तरीका अच्छा है तरीके की बात ही नहीं है बात है लॉजिक्स की बात है कॉन्सेप्ट्स की और बेसिक की कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को मरोड़ सकते हैं है ना क्योंकि एक मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते अगर यही क्वेश्चन में रेट कुछ अलग आ गया मेथड आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ जाएगी इसलिए सारी चीजें अच्छे से सीखो ओके वेरी गुड कई बच्चों ने इसी तरीके से किया है अच्छा अभिषेक देखते हैं ओके इस तरीके से कई बच्चों ने किया है वेरी गुड देखो जो बच्चे यूट्यूब पे कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं आप विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप इंस्टॉल कर लो वहां पे मिल जाएगा और क्लास के एंड में मैं डिटेल्स बता दूंगा अभी मैं यहां पे बताऊंगा तो यूट्यूब वाले उसका गलत मतलब समझेंगे ठीक <laughs> है एंड में पूरे कोर्स की डिटेल बता दूंगा फिलहाल इतना समझ लो विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पर कोर्स आपको मिलेगा चलो आगे बढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैं इसको थोड़ा सा टफ बनाऊंगा करिए अच्छा ये तो खेर टफ नहीं है इसका आंसर तो आपको यूं ही आ जाएगा करिए जल्दी से अब यहां पे आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या मेथड लगाते हो ऐप पर मिलेगी भाई और यूट्यूब वाले बच्चे अगर एसी क्लासेस चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो अच्छा लगता है तो है ना और शेयर भी कर दिया करो चलो देखो मैं यहां पे यह देखूंगा 85,000 तो चलो ठीक है वो तो कुछ भी दिया रहे ये कांस्टेंट चीज है पूरा खेल रेट और टाइम का है तो अगर देखा जाए तो रेट है हमारे पास 15% परसेंट और टाइम है फोर इयर्स फोर मंथ्स है ना सबसे पहले शुरुआत इससे करेंगे मुझे दिख रहा है कि फोर इयर्स तो कंप्लीट है इसको अगर मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है मतलब 12 से डिवाइड करना पड़ेगा मतलब वन थर्ड ओके तो पंद्रह परसेंट चार साल तक तो लगेगा 15% परसेंट इंटू फोर मतलब ये आ गया आपका 60% इसके बाद 15% पूरे साल के लिए नहीं लगाना है केवल वन थर्ड ईयर के लिए लगाना है मतलब कितना आ जाएगा फाइव परसेंट तो आप डायरेक्ट सिक्सटी फाइव परसेंट निकाल सकते हो समझ में आ रहा है वैसे भी सोचो बारह महीने और चार चार महीने के कितने सेट बनेंगे तीन मतलब आपको पंद्रह परसेंट का वन थर्ड करना है चार साल के बाद जो चार महीने हैं उसके लिए सो पंद्रह परसेंट चार साल तक तो सिक्सटी परसेंट लगेगा उसके बाद केवल फाइव परसेंट लगेगा अब आपको कुछ नहीं करना है एट्टी फाइव थाउजेंड का

तो आपका आंसर क्या आ रहा है अच्छा पूछा क्या है आपसे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए ठीक है कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग पंद्रह का चार गुना अच्छा दो साल है यार सॉरी 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 मैंने चार साल और चार महीने कर लिया सॉरी दो साल बोला ना तभी मैं सोच रहा हूं कि आंसर इतना बड़ा क्यों आ रहा है सॉरी देखो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में टू इयर्स के बारे में तो और अच्छा है ये तो ये आपका हो जाएगा थर्टी परसेंट एक साल का पंद्रह दो साल का तीस और ये हो गया तो टोटल आपको केवल कितना निकालना था 35 ही निकालना था ठीक okay. so, है? ये जीरो आपका एट्टी फाइव और थर्टी फाइव का मल्टीप्लाई कर लो ठीक है ये फाइव हो गया कैरी हो गया टू आठ का पांच गुना चालीस और ये कितना हो गया पंद्रह कितना हो गया पैतालीस और दो हो गया सैतालीस का चार कैरी हो गया फोर ये आपका हो गया 24, 24 और 4 28 तो 28750 आंसर आना चाहिए 28750 ये आपका आंसर है उम्मीद है सभी का आंसर मुझसे पहले आ गया होगा है ना क्योंकि आप लोगों ने गलती नहीं करी होगी और इस बहाने आप चार साल का भी समझ गए कि चार साल अगर आ जाए तो क्या करना है ठीक है टू एट आ रहा है नाइन आ रहा है टू नाइन आ रहा है कहा मिस्टेक हो गई पांच कैरी हो गया आपका टू ये हो गया आपका चालीस सैतालीस चार आठ या चौबीस चार अट्ठाईस ही तो आ रहा है समझ में आया या नहीं आया देखो एक बार फिर से समझो 85 और 35 का मल्टीप्लाई करना है पांच कैरी हो गया दो ये हो गया आपका 40 और 15, अच्छा सॉरी 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 मैंने फिर मिस्टेक कर दी एक मिस्टेक हो जाती है ना तो कई बार फिर लगातार चलती है सॉरी 29750, ऐसा एग्जाम में भी होता है ठीक है ऑप्शन आएगा सी एक बार फिर से समझ लो पहले तो हमने फोर ईयर्स लेकर गलत कर दिया टू ईयर्स और फोर मंथ है तो फिफ्टीन एक साल का पंद्रह परसेंट तो दो साल का कितना हो जाएगा दो साल का हो जाएगा थर्टी मैंने चार महीने को ईयर्स में कन्वर्ट किया तो चार महीने मतलब चार बटे बारह ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब नेक्स्ट ईयर केवल वन थर्ड ईयर है एक बटे तीन साल है तो अगर पूरे साल का ब्याज पंद्रह है तो वन थर्ड का कितना तो वन थर्ड का कितना लगेगा केवल पांच परसेंट लगेगा तो टोटल हमें केवल थर्टी फाइव परसेंट निकालना था और एटी फाइव थाउजेंड का थर्टी फाइव परसेंट कितना होता है टू नाइन सेवन फाइव जीरो क्लियर है सी इसका करेक्ट आंसर होगा समझ में आया जल्दी से बता दो यस या नो समझ में आया या नहीं आया अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं। लेवल अब बढ़ता जाएगा ना टाइप्स चेंज होंगे लेवल बढ़ता जाएगा इसके बाद फिर इयर्स के साथ साथ मंथ मंथ के बाद फिर डेज आ जाएंगे सारी चीजें हम समझेंगे ओके okay, डन चलो गुड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में फिफ्टी फोर थाउजेंड ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इलेवन वन बाय नाइन और टाइम कितना है थ्री ईयर्स टू मंथ्स ओके फिफ्टी फोर थाउजेंड इलेवन वन बाय नाइन परसेंट और टाइम है हमारे पास इस बार थ्री ईयर्स टू मंथ्स ठीक है अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा यहां पर आप अभी बिल्कुल हड़बड़ी मत करना अगर आपके पास रेट केवल अगर प्रिंसिपल है रेट है टाइम है हर चीज है तो रेशो मेथड मत लगाना बिल्कुल जरूरत नहीं है एकदम सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा देखो यहां पे मैं आपको एक छोटी सी चीज रिवाइज कराना चाहूंगा परसेंटेज का चार्ट पेड वाले स्टूडेंट्स के पास तो है ही और जो लोग यूट्यूब वाले हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना परसेंटेज की शीट परसेंटेज का चार्ट और सब कुछ वहां पे कैलकुलेशन की कई सारी शीट्स डली हुई है उनको वहां से आप डाउनलोड कर लेना ठीक है सोहन बेसिक बेसिक बताएंगे बताएंगे क्वेश्चन के साथ साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा है ना मुझे पढ़ाने दो मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में नहीं आए तो बोलना आपको पता है कि 11 वन बाई नाइन देखो जैसे हम अगर कहें वन बाई टू तो वन बाय टू का मतलब क्या होता है 50 परसेंट By का मतलब थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट यह सबको पता होना चाहिए by मतलब ऐसे अगर आगे बढ़ाए तो इलेवन वन बाई नाइन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है वन बाय नाइन जिसको नहीं पता है परसेंटेज की क्लास देख लेना तो आपको कुछ नहीं करना है अच्छा ये तो वन बाय नाइन हो गया इसका काम खत्म थ्री से कोई दिक्कत नहीं है टू मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा बारह से डिवाइड करना पड़ेगा और अगर बारह से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा three, by बनेगा बनेगा तो तीन साल प्लस एक बटे छ्री इस प्लस वन बाई सिक्स ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया इयर्स में इसको और फ्रैक्शन में बदल देते हैं तो सिक्स थ्रीजा प्लस वन छठारह और एक उन्नीस बटे ईयर आ गया अब कुछ नहीं करना है फिफ्टी फोर थाउजेंड इन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो आप कहोगे वन बाई नाइन इन टू टाइम कितना आ गया आपका नाइनटीन अपॉन सिक्स ओके ध्यान से देखोगे तो नौ और 6 क्या होता है चौवन नाइन इंटू सिक्स फिफ्टी फोर तो फिफ्टी फोर से ये कितनी बार कैंसिल होगा थाउजेंड और थाउजेंड इंटू नाइनटीन आपका आंसर कितना आ जाएगा नाइनटीन थाउजेंड कौन सा ऑप्शन है भाई ऑप्शन नंबर बी <laughs> ओके थैंक यू नंदनी समझ में आया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी ओके यूट्यूब पर और पेड पर सभी ने सही आंसर दिया है वेरी गुड समझ गए तो ये परसेंटेज का बेसिक है यहां पे मैं नहीं बता सकता हूं आप थोड़ा सा टाइम निकालो जिनको नहीं पता है और परसेंटेज की पहली क्लास में ही ये पढ़ाया जाता है YouTube पर भी डाला हुआ है पेड कोर्स वालों ने तो फिर पढ़ लिया है तो आप इसको देखो फिर आप समझ जाओगे कि ये कहां से आया है, अभी ये बताने का समय नहीं है इतना आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? 19, टेंशन नहीं लेना है सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट दिया वन बाय सिक्स रख दो सिक्सटी सिक्स टू बाई थ्री परसेंट दिया टू बाई थ्री रख दो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट दिया वन बाय थ्री रख दो कोई दिक्कत ही नहीं है नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एट्टी थाउजेंड रुपी अस्सी हजार रुपए हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो ट्वेंटी परसेंट है और टाइम कितना है टाइम है वन ईयर सेवेंटी थ्री डेज ठीक है इसको हमें सॉल्व करना है ओके okay. इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारा टाइम है वो पूरा इयर्स में होना चाहिए वो पूरा वर्ष में होना चाहिए है ना तो अगर वन ईयर है मुझे वन ईयर से कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत मुझे सेवेंटी थ्री डेज से है अब क्योंकि क्वेश्चन डेज में है तो डेज की स्टैंडर्ड वैल्यू एक साल में कितने दिन होते हैं तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं देखो बहुत सिंपल सी बात है अगर क्वेश्चन मंथ में आया तो मंथ कितने होते हैं एक साल में बारह बारह से डिवाइड कर दोगे अगर क्वेश्चन डेज में आ गया दिनों में आ गया तो आप किससे डिवाइड कर दोगे थ्री सिक्सटी फाइव से सिंपल सी बात है क्योंकि उससे आप डिवाइड करोगे वो में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये डेज एक, एक बहुत कॉमन है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सेवन थ्री का फाइव टाइम्स ये होता है ओके तो इधर बचा वन और इधर ऊपर कुछ नहीं बचा और नीचे क्या आ गया पांच वन वन बाय फाइव मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं सिक्स बाई फाइव ईयर्स समझ गए एक साल प्लस एक साल का पांचवा भाग वन फिफ्थ ऑफ वन ईयर इसका मतलब यह हुआ तो 73 डेज जो होते हैं वो एक्चुअल में पूरे तीन दिनों का पांचवा भाग है वन फिफ्थ है वन ईयर का क्लियर है तो आप क्या करेंगे इसको और शॉर्ट कर लिया अब कुछ मत करो जो हमने सीखा है पी इंटू आर इंटू टी अभी आप इसको लगा लो अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं तो कुछ देर बाद इस ये आते हुए भी नहीं कर पाओगे है ना अभी इजी क्वेश्चन है लगा लो कुछ देर बाद इसको लगा ही नहीं पाओगे आप एट्टी थाउजेंड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट मतलब वन बाय फाइव और टाइम कितना है आपका सिक्स बाय फाइव नहीं कर सकते इसको ठीक है तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे टोटल कर लो टोटल आपका हो गया फोर्टी एट और उसके आगे कितने जीरो हो गए आपके चार जीरो हो गए डिवाइड करना है किससे 25 ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी फाइव से कभी भी डिवाइड करना हो ऊपर वाले नंबर का चार गुना तो 48 का दुगना होता है छियानवे 96, 96 और 96 का डबल क्या होता है 192 तो आपका आंसर 19200 आएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है ये मल्टीप्लिकेशन में बताया था याद हो तो आपको समझ में आया सभी को क्लियर है मैंने कुछ भी नहीं किया है प्रिंसिपल रेट और टाइम प्रिंसिपल कितना है एटी थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट या तो बीस बटे सौ ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड लिख दो या उसको वन बाई फाइव लिख दो एक ही बात है ठीक है और वन ईयर सेवेंटी थ्री डेज का मतलब क्या हो जाएगा आपका सिक्स बाय फाइव सबको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है हाँ, शोभिक केस में हम अगर अमाउंट पूछते तो उस केस में हमें फिर रेशो बनाना पड़ता प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जनरली इसमें नहीं आएगा और अगर आता भी है तो फिर आप इसको फिलहाल प्लस कर लो है ना थोड़ा सा आगे में बताऊंगा फिर आप सीख जाओगे अभी थोड़ा सा रुक जाओ बता दूंगा मैं आगे ठीक है देखो 25 की ट्रिक होती है कभी भी 25 से डिवाइड करना हो तो ऊपर वाले नंबर का चार गुना करते हैं है ना और आप उसको 100 से डिवाइड करते हो ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं बता दूं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है सुन लो कैसे करते हैं कई लोग कई लोग तो अभी इसी आश्चर्य में है कि ये क्या हो गया लास्ट में जैसे हमारे पास फोर्टी के आगे ये था और ट्वेंटी था मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए चौबीस में चौबीस सौ के बजाय छोटा नंबर लेते हैं सिक्सटीन हंड्रेड में मुझे ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करना है है ना तो हम क्या करते हैं बेसिकली अगर यह वाली ट्रिक जो है मैंने फाइव ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव इन सब में आपको पढ़ाया है है ना नहीं पढ़ाए तो देखना मैं अगर ट्वेंटी फाइव को फोर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा हंड्रेड बन जाएगा तो ऊपर भी फोर से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा 1600 का चार गुना क्या हो जाएगा चौसठ सो और 25 का चार गुना कितना हो जाएगा 100 ये कैंसिल हो गया तो आपका आंसर कितना आ गया 64 समझ गए अब इतना सब आपको मन में करना है आपने जैसे ही देखा तो आपको पता है कि दो जीरो तो कम हो जाएंगे क्योंकि नीचे हंड्रेड आ रहा है इसका काम भी खत्म 16 का बस चार गुना करना है चौसठ इसलिए 4800 का हमें चार गुना करना था 48 48 का चार गुना ए, एक और दो जीरो थे इसलिए हमने आंसर क्या दे दिया 19,200। समझ गए? तो 25 को हम 100 बना देते हैं इसलिए हम क्या करते हैं चार से मल्टीप्लाई करते हैं यह कैलकुलेशन की बहुत सिंपल सी ट्रिक है अगर कभी फाइव से आपको डिवाइड करना है किसी भी नंबर को सपोज आपके पास अब वही ले लो 1600 हंड्रेड इंटू है अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर और नीचे हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे है इसको तो मतलब कैलकुलेशन में समझेंगे फिलहाल एक और क्वेश्चन करके बताइए ये तो इजी क्वेश्चन आ गया ये कहां से आ गया डबल नाइन डबल नाइन नाइन जीरो का इलेवन वन बाई नाइन परसेंट के साथ से तीन साल का ब्याज पेन कोई भी यूज नहीं करेगा है ना अगर थोड़ा सा समझ गए हो तो पेन का यूज मत करना बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हो इतना अच्छा सवाल ही है प्रकाश उसमें कुछ नहीं कर सकता भाई वो आगे चल रहा है तो उसमें क्या करें अब यहां से तो मैं एक जैसा पढ़ा रहा हूं गुड थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इस सवाल में इतना अच्छा क्वेश्चन है, है ना आपने देखो मन में कैसे करोगे आपको पता है इलेवन वन बाय नाइन का मतलब होता है वन अपॉन नाइन और आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे थ्री से मतलब केवल नीचे क्या बचेगा थ्री तो आपको केवल प्रिंसिपल में मूलधन में तीन का भाग देना था अगर इसको आप तीन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा अगर इसको आप तीन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा कौन सा आएगा एक दो तीन चार पांच पांच और ये ऑप्शन नंबर ए खत्म समझ गए है ना भाई पी इंटू आर इंटू टी कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं अभी हम है ना तो आपके पास क्या है डबल नाइन डबल नाइन नाइन जीरो ओके इलेवन वन बाय नाइन परसेंट का मतलब क्या होता है इलेवन वन बाय नाइन का मतलब वन बाय नाइन और तीन साल का मतलब क्या होता है तीन ही होगा है ना मंथ होते तो हम उसको भी सॉल्व कर लेते तो आपने इसको कैंसिल किया मतलब केवल तीन से डिवाइड करना था आंसर है डबल थ्री डबल थ्री थ्री जीरो खत्म इतना सा काम था ठीक है समझ गए अच्छा प्रसन्न आ गए हो क्या यहां पर भी जरूर जरूर ठीक है चलो यहां से टाइप चेंज है टाइप नंबर टू क्वेश्चन नंबर एट इजी और जो बेसिक चीजें मुझे बतानी थी वो अब खत्म हो गई हैं अब हम टाइप वाइज चलेंगे अभी मैंने आपको थोड़ा मिक्स करके बताया अभी फ्रैक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा बचा है वो भी आगे आएगा हाँ, आकांक्षा एक ही बात है नौ से डिवाइड करोगे तीन से मल्टीप्लाई करोगे बेटर है डायरेक्ट तीन से डिवाइड करो गुड अंतर टेन बाय नाइन लिख दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा वो सॉरी अमाउंट आ जाएगा इसलिए उसको टेन बाय नाइन मत लिखो ठीक है चलो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन लिया है मैंने एक बात आप हमेशा समझना सभी लोग इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना अगर मैं कहूं कि मैंने किसी को चार हजार रुपए उधार दिए थे और उसने मुझे अस्सी रुपए इंटरेस्ट दिया अस्सी रुपए उसने मुझे ब्याज दिया तो बताओ उसने कितना परसेंट ब्याज दिया तो बहुत बेसिक सी बात है ब्याज हमेशा किस पे लगता है प्रिंसिपल पे लगता है मूलधन पे लगता है अगर मुझे मुझे इस चीज को परसेंटेज में बदलना है तो अस्सी रुपए इंटरेस्ट दिया चार हजार रुपए पे लगा होगा और मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा हंड्रेड से तो ये कैंसिल ये कैंसिल आप कहोगे उसने कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया दो परसेंट इंटरेस्ट दिया समझ में आ रही है बात तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पर ब्याज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है मूलधन पर क्लियर है इतनी बात अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है देखिए हमने वन एट सिक्स जीरो रुपए उधार दिए थे किसी को और किस रेट पर दिए थे ट्वेल्व परसेंट के रेट पर दिए थे और उसने मुझे रिटर्न कितना किया टू सिक्स फोर वन पॉइंट टू पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसका टेंशन नहीं लेते है ना मैंने दिया था 1860 एट रिटर्न मुझे मिला 2641 तो आपको बस इतना ही कहा है और आपसे कहा है बताइए टाइम क्या है, होगा कितने साल बाद उसने यह पैसा वापस किया पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास फार्मूला कौन सा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड ओके फिर इसको क्या करोगे आपको क्या पूछा है टाइम पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा सिंपल इंटरेस्ट इन टू हंड्रेड अपॉन में पी इन टू आर ओके और अब मैं आपको छोटी सी चीज सजेस्ट करूंगा हम करेंगे यही पर अब फॉर्मूले छोड़ दो अब इनका काम खत्म करो इनको अब साइड करो अगर इजीली हो रहा है तो ठीक अदरवाइज इन पे मत जाओ और अब आप यहां से केवल एक ही चीज आगे बढ़ाओ और वो है लॉजिक है ना करेंगे हम वही जो फॉर्मूले में करते हैं वही करते हैं पर उतना बच्चों जैसा छोटा 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 काम अब नहीं करना है उसको अब थोड़ा सा हमें अच्छे से करना है ठीक है देखो पहले तो आप ये देखो सबसे पहले ये पता लगाओ कि पे इंटरेस्ट कितना लगा ब्याज कितना लगा है ना तो हम क्या करेंगे टू सिक्स फोर वन पॉइंट टू में से वन एट सिक्स जीरो को माइनस करेंगे तो ये तो पॉइंट टू आएगा है ना ये वन ही आएगा फिर आप इसको देखोगे फोर में से सिक्स मतलब फोर्टीन में से सिक्स एट तो आएगा और यहां क्या बचा आपका यहां बचा 25, 25 में से 18 गया इतना इतना उसने मुझे मुझे इंटरेस्ट दिया है इतना मुझे क्या मिला है ब्याज मिला है है ना देखो बिना ज्यादा कैलकुलेशन के मैं तरीका बता रहा हूं सिर्फ देखते जाओ तो दोनों का मैंने अंतर लिया तो मुझे पता चला कि सेवन एटी वन पॉइंट टू रुपीज जो है यहां पर क्या है इंटरेस्ट है क्लियर है इतनी बात सभी को अब एक बात बताओ बस एक छोटी सी बात यह देखनी है कि हर साल अठारह रुपए पे इंटरेस्ट लगा है और हर साल इंटरेस्ट कितना लगा है 12 परसेंट लगा है ठीक है इसको कैलकुलेट करो तो 12 का 6 गुना बहत्तर कैरी हो गया आपका 7 12 का 8 गुना छियानवे 96 सिक्स में अगर आपने 7 जोड़ा तो कितना आएगा 103 है ना 96 सिक्स प्लस सेवन वन तो आपका कैरी हो जाएगा टेन फिर बारह और दस कितना हो जाएगा बाईस मत और ते, नीचे टेन था ये अब बस इसके आगे आपको सीधे आंसर पे टिक लगाना है अब बात सुनना ध्यान से ठीक है हर आपको टोटल टोटल कितना लगा टोटल लगा जबकि आप हर साल इंटरेस्ट कितना दे रहे हो हर साल आप इंटरेस्ट दे रहे हो टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू थोड़ा सा राउंड फिगर कर लो इसको दो सौ बीस मान लो इसको सात अस्सी मान लो ठीक है अगर इसका मैं तीन गुना करूंगा एक साल का ये वन ईयर का इंटरेस्ट है एक साल का इतना है तो तीन साल का लगभग 660 और कुछ कुछ आएगा और अगर मैं इसका चार गुना कर दूंगा तो वो 880 और समथिंग आएगा मतलब ये जो आंसर है ये तीन साल और चार साल के बीच में है मतलब हमने कितने साल के लिए उधार दिया होगा थ्री एंड हाफ ईयर्स के लिए समझ में आया भाई तीन गुना करने पर कम हो रहा है चार गुना करने पे ज्यादा हो रहा है मतलब ये तीन और चार के बीच में है तो तीन और चार के बीच में कौन सा ऑप्शन है आंसर आएगा आपका थ्री हैंट, थ्री एंड हाफ इयर्स समझ में आया या नहीं आया <coughs> क्लियर है देखो अगर कैलकुलेशन आप पूरे मैथ्स में देखना और आप एग्जाम के क्वेश्चन देखना अगर किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन टफ दिया है मतलब वहां पे पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है और ये मैं हर चैप्टर में आपको प्रूव करके बताऊंगा आप एग्जाम का रियल क्वेश्चन लेकर आना आप खुद देखना अगर आप इसको बच्चों जैसा करने बैठोगे ना पांच दस मिनट खराब कर दोगे कैलकुलेशन में और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप इस क्वेश्चन में फंसो इसमें पांच दस मिनट खराब करो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे थोड़ा सा आप अपना लेवल बढ़ाओगे आपको समझ में आएगा कि हम लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं बिना कुछ ज्यादा मेहनत करे ठीक है एक बार फिर से बता रहा हूं कई बच्चे बोल रहे हैं एक बार फिर से बता दें तो सुनिए फिर से हम क्या करेंगे यहां पर हमने यहां पर देखा दोनों में डिफरेंस कितना इसको निकालने का काम पांच सेकेंड है पांच सेकेंड में आप यह ले आओगे कि दोनों में डिफरेंस कितना है यह टोटल इंटरेस्ट है टोटल इंटरेस्ट कुल मिला के ब्याज इतना लगा फिर मैंने देखा कि हर साल बारह परसेंट लग रहा है तो एक साल का ब्याज इतना एक साल का ब्याज दो सौ बीस रुपए है पॉइंट को छोड़ो तो यह ब्याज कितने साल में लगेगा तीन साल में तो सिक्स सिक्सटी के आसपास लगेगा फोर ईयर्स में एट एट्टी हो जाएगा ये भी ये कम हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है मतलब आंसर तीन और चार के बीच में आएगा तीन और चार के बीच में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है समझ में आया और इसको पूरा मत करना एग्जाम में पूरा मत करना इसको ठीक है एक साल का ब्याज इतना तो इतना ब्याज कितने साल में लगेगा ये टोटल ब्याज है और ये मैंने एक साल का ब्याज निकाला है ना तो अब इतना थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना तीन साल में इतना लगेगा चार साल में इतना आंसर इनके बीच में मतलब आंसर क्या होगा थ्री और फोर इयर्स के बीच में थ्री पॉइंट फाइव ईयर्स ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन करिए इसको भी जल्दी से हर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो और क्वेश्चन को पढ़कर मेथड उस समय सोचा करो कि हम यहां क्या नया कर सकते हैं हम कैसे इसको शॉर्टकट कर सकते हैं हाँ वेंकटेश अभी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास वापस आएगी एक बार लिखोगे तब भी मैं पढ़ लेता आपका कमेंट समझ में आ रहा है अच्छे से ओके ओके मनोज जी गुड इवनिंग अभी आ रहे हो क्या आप चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी ओके है वेरी गुड देखो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो पिछले क्वेश्चन में कुछ अलग था इस क्वेश्चन में अलग है आपसे कहा है कि सेवेंटी टू रुपीज़ हमने किसी को दिए और उसने हमें रिटर्न कितना किया एट्टी वन चाहो तो रेशो बना लो नहीं तो डायरेक्ट कर लो मुझे पहले तो एक बात बताओ सेवेंटी टू रुपीज़ आपने दिए क्वेश्चन को छोड़ो उधर क्या है उसको छोड़ो सेवनटी टू देकर उसने एटी वन दिया मतलब उसने इंटरेस्ट कितना दिया नौ रुपये इंटरेस्ट दिया इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रखते हैं नीचे प्रिंसिपल रखते हैं तो नीचे क्या रखोगे सेवेंटी टू और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे हंड्रेड से ओके okay. तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे ये आठ बार कैंसिल होगा और कभी भी आठ नीचे आता है मतलब ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है मुझे एक सबसे खास बात पता चल गई कि यहां टोटल इंटरेस्ट कितना लगा है टोटल इंटरेस्ट लगा है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट जबकि हर साल इंटरेस्ट कितना लग रहा है सिक्स वन बाय फोर मुझे एक बात और बताइए कि सिक्स वन बाय फोर परसेंट को हम सिक्स पॉइंट टू फाइव भी बोलते हैं है ना तो एक साल का ब्याज अगर 6.25 परसेंट है तो कितने साल में ये 12.5 बनेगा तो बच्चा भी बता देगा कि ये इसका डबल है मतलब ऐसा कितने साल तक इंटरेस्ट होगा? दो साल तक समझ में आया अच्छा थैंक यू मनोज जी। समझे भाई आपने क्या करा बहुत आसान तरीके से समझो पिछला क्वेश्चन अलग था इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है दोनों अलग अलग चीजें है ना सेवेंटी टू रुपीज थे वो एटी वन बन गए मतलब नाइन रुपीज इंटरेस्ट लग गया नौ रुपए ब्याज लग गया किस पे लगा प्रिंसिपल पे आपने देखा कि टोटल इंटरेस्ट लगा है ट्वेल्व पॉइंट फाइव एक साल का इंटरेस्ट अगर 6.25 है, तो तो कितने साल में ही होगा? ये दिख ही छह दशमलव पच्चीस का डबल होता है 12.5 मतलब कितने साल रहे होंगे दो साल समझ में आया इस तरीके से सीखना पड़ेगा बात समझो आप आप वो चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दो अब ये पी इंटू आर इंटू टी खत्म कर दो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे है ना सिलेक्शन तो खैर अलग बात है सिलेक्शन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे ये नहीं पता लेकिन एग्जाम में पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर आपने अपनी मैथड्स चेंज नहीं करी आंसर तो ले आओगे पर जहां दूसरा बच्चा उस 30 मिनट में या एक घंटे में 40 क्वेश्चन कर रहा होगा आप उतनी देर में 10 क्वेश्चन ही कर पाओगे अगर आपने सोचा कि सर हम तो वही करेंगे जो हमने स्कूल में सीखा है कर सकते हो आंसर कितनी देर में आएगा उसकी गारंटी नहीं है इसलिए थोड़ा सा लॉजिकल बनो और माना कि हमने स्कूल में ऐसे नहीं पढ़ा था पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको ऐसा अपने आप को ढालना पड़ेगा इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा है 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 ना ना सिलेक्शन लेना तो आपको आपको आपका कैसे लोगों से यह पता होना चाहिए कई लोग क्या सोचते हैं कि हमें तो बस आंसर लाना है पांच मिनट में आए दस मिनट में आए पंद्रह मिनट में आए आंसर तो आया ना आंसर लाना उद्देश्य है पर आंसर जल्दी लाना उससे बड़ा उद्देश्य है क्योंकि आप जब तक पांच मिनट में उसको करोगे आपका कॉम्पिटिटर आपके साइड वाला जो है दस क्वेश्चन करके आगे बढ़ गया होगा इसलिए बात को समझो समय के साथ चेंजेस लाओ है ना और मैथ्स को सही तरीके से पकड़ो कैसे करना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टेन एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत की दर से कुछ राशि उधार लेता है छह वर्ष आठ महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में सात रुपए का भुगतान किया उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें मनी एट द रेट ऑफ 12 परसेंट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर सिक्स एट मंथ्स ही वुड पे रुपीज सेवन ट्वेंटी एज एन इंटरेस्ट फाइन दोटल अमाउंट बोरोड बाम बिना पेन चलाए करने वाला क्वेश्चन थोड़ी सी कोशिश करोगे बिना पेन के आंसर आप ला सकते हो आया क्वेश्चन समझ में यस और नो चलो देखें कैसे करना है यहां ध्यान दें सब लोग देखो एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष देखो हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ट्वेल्व परसेंट अच्छा एक और बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा सिंपल इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट 99% नाइन परसेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो पर एन के ही आते हैं है ना यहां पे तिमाही माह छह माह ये वाले कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होते नाइनटी जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन से वाले आएंगे प्रतिवर्ष है ना कहीं कहीं क्वेश्चन में मेरी तरफ से मिस्टेक हो सकती है मेंशन न किया हो अगर कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना पर हमेशा क्वेश्चंस यहाँ पे प्रति वर्ष में चलते हैं किसमें सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो तिमाही माह छ माही है ना जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट मंथली कॉन्सेप्ट ये सब कहां चलेगा ये पूरा बदला आपसे लिया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में ठीक है तो यहां पे पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एकदम सिंपल चलेगा सारी चीजें हमें कहां मिलेंगी कंडीशन जितनी भी होगी वो सब आपको मिलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट में कि तीन महीने का ब्याज कितना तिमाही गणना छमाही गणना हाफ ईयरली क्वार्टरली नाइन मंथली तो ये सब चीजें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगी यहां पे नहीं होती है ना और क्यों नहीं होती है क्योंकि आप अगर साल में बारह ब्याज लोगे तो साल में अगर इसको तीन तीन महीने में डिवाइड करें क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है इसलिए कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फिक्स होता है एक बार फिक्स हो गया कि 12 परसेंट साल का ब्याज है तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे चार भागों में तो यहां भी तीन परसेंट ब्याज लगेगा यहां भी तीन लगेगा यहां भी तीन लगेगा यहां भी तीन लगेगा तो छह महीने का ब्याज कितना छह परसेंट नौ महीने का ब्याज कितना नौ परसेंट तो यहां तिमाही छमाई इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए यह सब चीजें कहां रहेंगी कंपाउंड इंटरेस्ट में चलिए क्वेश्चन पे आते हैं ट्वेल्व परसेंट पर एना में बारह प्रतिशत की दर है समय हमें कहा गया है सिक्स इयर्स एट मंथस और टोटल इंटरेस्ट टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना है सात है अब सुनिए कैसे करेंगे हम ओके मुझे एक बात बताइए कि अगर छह मही छह साल आठ महीने हैं तो सिक्स ईयर्स प्लस एट मंथस ओके एट मंथस को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे और अगर इसको डिवाइड किया तो सिक्स प्लस टू बाई थ्री ठीक है इसका मतलब मुझे बारह का मल्टीप्लाई एक बार छह में करना है बारह का मल्टीप्लाई एक बार टू बाई थ्री में करना है इसको मैं यहां लिख रहा हूं सिक्स टू थ्री okay? तो 12 का 6 में गुणा करेंगे एक साल का बारह परसेंट कर नहीं करना है और 12 का मल्टीप्लाई होगा 2 बाई थ्री ईयर से तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो तीन से कैंसिल होगा छह बार छह से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार तीन से कैंसिल सॉरी चार बार चार का दुगना क्या हो जाएगा आठ मतलब आप अगर यहां पर देखेंगे ध्यान से तो ये कितना परसेंट ब्याज है एट्टी परसेंट है मतलब ये जो मुझे सात सौ बीस रुपए दिख रहा है, ये only 80 है तो हंड्रेड परसेंट क्या होगा नौ बार कैंसिल होगा आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा नाइन हंड्रेड रुपी समझ में आया ये हमने परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है कि टोटल इंटरेस्ट दिया है 80 परसेंट जो कि रुपीज में कितना है 720 तो 720 अगर 80 परसेंट है तो 100 परसेंट क्या वेरी गुड <coughs> समझ में आया ज्योति रोज साढ़े सात बजे क्लास होती है विनर्स ऐप पर, डेली दो घंटे <coughs> क्लियर है एक बार फिर से बता रहा हूं अब आप इतना सब कैलकुलेशन थोड़ी सी कोशिश करोगे मन में कर सकते थे और करना ही चाहिए आपको <coughs> ठीक है एक साल का बारह तो छह साल का बहत्तर 12, 6, सेवेंटी टू परसेंट क्लियर है <coughs> आठ महीने मंथ्स मतलब 12, three, मतलब लगेगा कितना है, 720 है। तो सेवन ट्वेंटी अगर एटी परसेंट्रेड परसेंट क्या आएगा नाइन हंड्रेड क्वेश्चन का आंसर है और खुशी की बात यह है कि सभी ने ऑलमोस्ट नाइन परसेंट बच्चों ने यही क्वेश्चन का आंसर दिया है वेरी गुड <coughs> समझ गए तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि शुरू के जो आठ दस क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे सोचते हैं कि बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे P into R into T 100 से काम हो जाएगा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि साठ हजार रुपए का दस परसेंट के हिसाब से तीन साल का ब्याज बताओ पी आर टी तो पांचवी क्लास छठवी क्लास का बच्चा कर लेता है कोई नहीं पूछेगा ना वो क्वेश्चन आएंगे जिनमें उनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए आपको थोड़ा सा उठकर सोचना पड़ेगा ओके okay, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन सिंपल कैलकुलेशन है इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा बताइए हाँ, भाग्य ज्योति चल रही है क्लास की आपको तो पता होना चाहिए सोमेश ने एक अच्छी बात कही कि स्कूल में पी से क्यों कराते हैं उसके पीछे दो लॉजिक होते हैं पहला तो यह कि टीचर ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना चाहता है और दूसरा बच्चा उससे खतरनाक है वो बिल्कुल ही माथापच्ची नहीं करना चाहता है आप लोगों को फॉर्मूले क्यों पसंद है फॉर्मूले इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता बस ढूंढा प्रिंसिपल ये है इंटरेस्ट ये है रख दो क्यों हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है हमें क्यों का जवाब नहीं चाहिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा क्यों करते हैं हमें फ़र्क किस बात से पड़ता है वैल्यू रखो आंसर आ रहा है ख़त्म पास होना है अगली क्लास में जाना है इसलिए हम सब पास तो हो गए डिग्रीज हैं हमारे पास परसेंटेज हैं नॉलेज कुछ नहीं है इसलिए अब दोबारा पढ़ रहे हैं अब इस बार आप क्यों पढ़ रहे हो सीखने के लिए पढ़ रहे हो स्कूल में आप क्यों पढ़ते थे स्कूल में आप बस पास होने के लिए पढ़ते थे परसेंट बनाना है पास होना है अगली क्लास में जाना है तो वही हुआ आप आप जो उद्देश्य के साथ काम करोगे वो पूरा होगा अब आप क्योंकि सीख रहे हो तो आप सीखने के हिसाब से पढ़ोगे इसलिए अब बेसिक चीजें देखनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे स्कूल में इंपॉर्टेंट आईएमपी लग जाते थे टीचर आईएमपी लगवा देते थे यहां कुछ भी नहीं होगा मुझसे आईएमपी मत लगवाने आ जाना ठीक है चलो देखो जो बच्चे YouTube पर बार बार पूछ रहे हैं अपनी ऐप है विनर्स इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पर सर्च करना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर आपको ऐप मिलेगी उसको डाउनलोड कर लेना वहां कंप्लीट कोर्स और सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएंगी आर, आर की क्लास सुबह चलती है नौ से बारह डेढ़ घंटे मैथ्स डेढ़ घंटे रीजनिंग चलो देखो इधर इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखें तो चार हमने किसी को दिए थे कितने साल के लिए दो साल के लिए और उसने रिटर्न कितना किया उसने रिटर्न किया 448. इसी रेट पर रेट तो पता नहीं है टाइम तो पता है इसी रेट पर अगर पांच रुपए दिए जाएं, ठीक है इसी रेट पर अगर पांच रुपए दिए जाएं, तो सिक्स एट्टी जो है कितने साल में मिलेंगे ओके देखो हम पहले तो ये देखें कि चार सौ रुपए से चार सौ अड़तालीस हो गए मतलब आप देखो कितना इंटरेस्ट लगा फोर्टी एट इंटरेस्ट लगा कितने साल का दो साल का तो एक साल का इंटरेस्ट कितना चौबीस ओके ये किस पे लगा चार सौ रुपए पर इंटू कर दिया आपने हंड्रेड से ठीक है डिफरेंस है फोर्टी एट का अड़तालीस रुपए इंटरेस्ट लगा दो साल में मतलब हर साल चौबीस रुपए इंटरेस्ट लग रहा है चौबीस रुपए ब्याज लग रहा है तो आप कह सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सिक्स परसेंट है कितने साल में पांच सौ पचास छह सौ बयासी हो जाएंगे तो आप एक छोटा सा काम करो पांच सौ पचास पर हर साल कितना इंटरेस्ट लगेगा तो पांच सौ पचास को आप छह से मल्टीप्लाई करोगे पांच सौ पचास को छ से मल्टीप्लाई करोगे थर्टी थर्टी थ्री एक साल का इंटरेस्ट कितना लगेगा थर्टी थ्री रुपीज लगेगा अब हम एक चीज और देख लें कि टोटल इंटरेस्ट कितना लगा इन दोनों में डिफरेंस कितने का है तो दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइव फिफ्टी का सिक्स फिफ्टी हो गया हंड्रेड प्लस थर्टी टू टोटल इंटरेस्ट लगा है एक सौ बत्तीस रुपए अब आप ये सोचो कि एक साल में इंटरेस्ट लग रहा है थर्टी थ्री तो कितने साल में ये 132 बन जाएगा तो 33 का डबल 66, 66, आ, 66 का डबल 132 मतलब यहां कितने साल लगे होंगे चार साल आंसर आएगा आपका डी फोर हाँ जी कल की क्लासेस अपलोड हो गई है भाई ऐप पर कैलकुलेशन वाले चैप्टर में जाओ वहां मिलेगा सब कुछ क्यूब रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब कैलकुलेशन सब वहां है आप लोग गलत जगह देख रहे होंगे किसी दूसरे चैप्टर में देख रहे होंगे वहां पर है पूरा समझ आया क्या सभी को क्लियर है देखो बहुत आसान हमने क्या किया इतना ये पार्ट आप बिना लिखे कर सकते थे इसमें लिखने लायक कुछ नहीं था आप खुद देखो फोर्टी एट अड़तालीस से दो साल का ब्याज एक साल का चौबीस चौबीस को चार सौ से डिवाइड करोगे हर साल छह परसेंट ब्याज लग रहा है ओके okay? तो यहां अगर इंटरेस्ट तो भी छह परसेंट पांच सौ पचास का 6 होता है थ्री मतलब हर साल तैतीस रुपए ब्याज लग रहा है टोटल इंटरेस्ट कितना लगा है टोटल वन थर्टी टू तो एक साल का तैतीस तो कितने साल का एक सौ बत्तीस आंसर आएगा फोर ईयर्स <coughs> क्लियर है सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है या जयनेश आप ऐप इंस्टॉल कर लो वहां मिल जाएगा कोर्स आपको ठीक है देखो विनय बोल रहा है सब अपलोड है, सारी क्लासेस अपलोड हो गई है भाई कैलकुलेशन की ट्रिकी पूरी क्लासेस अपलोड हो गई है कल डेसिमल भी बता दिया है कल पढ़ लिया आज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व टाइप नंबर थ्री बहुत इजी टाइप है ये वाला भी बहुत आसान है मजेदार है इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन कर सकते हो जयनेश आप कभी भी परचेस कर सकते हो सोहन बेसिक पे मत जाओ इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो जाएगा बेसिक में नहीं उलझना है देखो जो लोग स्कूल के बाद अब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमें स्कूल टाइम में ऐसा दिमाग में बैठा दिया है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं कुछ नहीं होता है अगर आप एक लंबे गैप के बाद पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी और उसका एक ही सॉल्यूशन है रिवीजन। आप इस क्लास को एक बार और रिवाइज करना आपको नहीं बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप मुझे बोलना ठीक है उसके बाद आप जो बोलोगे वो शर्त में मान लूंगा एक बार रिवीजन करना आपको नहीं बहुत अच्छे से समझ में आ जाए दिमाग में नहीं बैठ जाए तो बताना ठीक है वेरी गुड नाइन्टी थाउजेंड आंसर आ रहा है नरेश ऐप पे डाउनलोड का ऑप्शन आजकल दो तीन घंटे में आ जाता है ओके okay. चल देखो यहां पर मैं आपको फिर से इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना वैसे चैप्टर की शुरुआत में मैं इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं केवल रिपीट करूंगा है ना कई बच्चे यहां पर क्या दिमाग लगाएंगे अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा धनराशि एक लाख सत्रह हजार है वो सोचेंगे कि एक साल का इंटरेस्ट फिफ्टीन परसेंट है तो दो साल का कितना होगा दो साल का इंटरेस्ट होगा थर्टी परसेंट है ना तो कई बच्चे पता है इसमें क्या गलती करते हैं वो इसका थर्टी परसेंट निकालते हैं इसका तीस परसेंट निकालते हैं और इसी में से घटा देते हैं और सोचते हैं कि ऑप्शन नहीं दिखता है निराश हो जाते हैं है ना अब आप यहां पर बात समझना थर्टी परसेंट तक तो आप सही हो हमेशा ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया हुआ है ठीक है अगर क्वेश्चन में आपको मिश्रधन दिया हुआ है तो आप मिश्रधन को या तो रेशो से कर लो या प्रतिशत से कर लो पहले प्रतिशत से बता देता हूं मैं कैसे करेंगे है ना यहां मैं आपको रेशो मेथड भी बताऊंगा परसेंटेज से कैसे करेंगे मिश्रधन का मतलब क्या होता है मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब ब्याज क्लियर है है अच्छा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है हंड्रेड और अगर एक साल का इंटरेस्ट पंद्रह परसेंट है तो दो साल का कितना होगा दो साल का इंटरेस्ट होगा थर्टी मतलब मुझे ये जो एक लाख सत्रह हजार दिख रहा है ये अमाउंट है और ये एक्चुअल में कितना परसेंट है ये 130 परसेंट है ठीक है तो एक लाख सत्रह अगर 130 परसेंट है तो 100 परसेंट क्या होगा और 100 परसेंट मतलब क्या हो जाएगा प्रिंसिपल तो आपको कुछ नहीं करना था वन लेख सेवेंटीन थाउजेंड डिवाइडेड बाय 130 थर्टी इंटू और तेरा के पहाड़े में कितनी बार आता है टेबल में आता है नौ बार नाइन थाउजेंड इंटू हंड्रेड इंटू टेन आपका आंसर आएगा नाइन्टी थाउजेंड यह अपना मूलधन है यह अपना प्रिंसिपल है ऑप्शन नंबर ए समझ में आ रही है बात ठीक है क्या करना है अगर प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट आपको दिया है तो उसको या तो परसेंटेज में पता कर लो आपको पता है कि प्रिंसिपल इसमें तो सोचना ही नहीं है प्रिंसिपल तो हंड्रेड परसेंट होता ही है एक साल का इंटरेस्ट 15 तो टू इयर्स का कितना 30 मतलब ये जो मुझे दिखाई दे रहा है वन लैख सेवेंटीन थाउजेंड यह अपने आप में वन थर्टी परसेंट है ठीक है 130 परसेंट है और अगर ये वन थर्टी परसेंट है ये परसेंटेज में आपने सीखा है बहुत बेसिक स्टेज है ये इससे डिवाइड करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई हंड्रेड से करते हैं और अगर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा मूलधन अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि बताइए ब्याज क्या होगा इंटरेस्ट कितना होगा तो आप यहां थर्टी रख दोगे सीधा इंटरेस्ट आ जाएगा तो ये एक ऐसी प्लेस है कि यहां जो रखोगे वो मिलेगा हंड्रेड रखोगे प्रिंसिपल मूलधन मिल जाएगा थर्टी रखोगे इंटरेस्ट ब्याज मिल जाएगा समझ में आ रहा है नहीं निशा ब्लॉक नहीं किया है ब्लॉक नहीं करते हम किसी को भी जब तक अति ना हो जाए तो आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है ठीक है समझ में आया ये हो गई फर्स्ट स्टेज अब इसी को अगर हम रेशो से करना चाहें तो समझिए इसको हम रेशो से कैसे कर सकते हैं ठीक है इसी क्वेश्चन को रेशो से कैसे करेंगे देखो रेशो पूरे तरीके से डिपेंड होता है परसेंट पर परसेंट मतलब जो रेट दिया है उस पर ठीक है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है डायरेक्ट नहीं लिख सकता मैं नहीं तो कई लोग पूछेंगे कैसे तो पंद्रह बटे सौ पंद्रह बटे सौ को अगर आप सॉल्व करोगे पांच से तीन बार और पांच से बीस बार थर्टी अपॉन ट्वेंटी मैं आपको बता चुका हूं नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है मतलब मूलधन होता है और ऊपर हमेशा इंटरेस्ट होता है मतलब ब्याज होता है ओके तो अगर बीस रुपए उधार दोगे किसी को ट्वेंटी रुपीज उधार दोगे तो उसका पंद्रह परसेंट होता है तीन रुपए एक साल का ब्याज वन ईयर का इंटरेस्ट ठीक है अब जल्दी से रेशो बनाओगे एक तरफ लिखोगे मूलधन और एक तरफ लिखोगे मिश्रधन ठीक है अमाउंट ओके मूलधन कितना है तो मूलधन हो गया बीस मिश्रधन कितना अच्छा क्वेश्चन कितने साल का है? दो साल का है, है ना तो एक साल का इंटरेस्ट तीन है तो दो साल का इंटरेस्ट कितना होगा छ होगा दो साल का इंटरेस्ट कितना होगा छ मतलब रेशो क्या बनेगा ट्वेंटी रेशो ट्वेंटी सिक्स ओके ये और शॉर्ट हो सकता है ये दो से कैंसिल हो जाएगा दस बार और ये दो से कैंसिल हो जाएगा तेरह बार मतलब अगर दस रुपए उधार दोगे तो वो कितना बन जाएगा तेरा अब आपको क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल दिया होता तो दस से डिवाइड करते अमाउंट दिया है मिश्रधन दिया है तो इसको तेरह से डिवाइड करना पड़ेगा सो एक लाख सत्रह हजार क्योंकि मिश्रधन है तो मिश्रधन हमने निकाला तेरा तो मूलधन क्या आएगा मतलब दस सॉल्व करोगे वही का वही आंसर आएगा आपका नाइनटी थाउजेंड ठीक है ये हो गया अपना रेशो मेथड क्लियर है समझ में आया अगर परसेंट इजी है तो परसेंटेज वाली मेथड से कर लो ये मेथड कब लगानी है जब आपको परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड दे दे सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट या इस तरीके का कोई सा क्वेश्चन दे दे तब हमें फिर दिक्कत होगी उस केस में हमें रेशो वाली मेथड ही यूज करनी पड़ेगी समझ में आया प्रिंसिपल बीस रुपए है और एक साल का ब्याज तीन है तो क्वेश्चन दो साल का है तो एक साल का तीन दो साल का छ मतलब बीस रुपए दोगे मिलेगा कितना छब्बीस कैंसिल हो रहा था तो कर दिया दो से कैंसिल हुआ दस बार दो से कैंसिल हुआ तेरह बार दस रुपए दोगे तेरह रुपए मिलेगा लेकिन मिला कितना है वन लैख सेवेंटीन थाउजेंड क्योंकि ये मिश्र धन है तो भाग भी मिश्र धन का देंगे अनुपात का नियम है रेशो का नियम है अमाउंट में अमाउंट से डिवाइड करते हैं और पूछा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है टेन इससे कर लो क्लियर <coughs> है अच्छा विनय फर्क दिख रहा है ठीक है ओके समझ में आया सभी को हाँ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बिल्कुल कितने अच्छे बच्चे हैं सब याद दिला देते हैं शिवानी नेक्स्ट मंथ आएगा आईबीपीएसपीओ का मैच ओके okay है समझ में आ गया और रेशो मेथड बहुत यूजफुल है मैं बस क्योंकि फर्स्ट डे है इसलिए बहुत ज्यादा आपके दिमाग में खिचड़ी नहीं बनाना चाहता हूं इसलिए थोड़ा सा उसको भी वेटेज कम दे रहा हूं है ना आज का दिन बस आज की जो अपनी क्लास है वो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर कितना भी आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा सब चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी है ना बस मुझे आप मेरे हिसाब से चलने दो रिजल्ट से मतलब रखो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ये मेरी गारंटी है कुछ भी भूलोगे नहीं ये भी मेरी गारंटी है बस मैं जो कहते जा रहा हूं जो बताते जा रहा हूं उस तरीके से चलते जाओ सुनते जाओ बस देखते जाओ आनंद लेते जाओ मजा आएगा आपको हर चीज बनेगी आपसे ठीक है चलो आगे बढ़े अब अगला क्वेश्चन आप करके बता दो जल्दी से ठीक है जल्दी से करके बताइए सब लोग यदि ब्याज की दर थ्री और समय छह साल और मिश्रधन धन अड़तालीस चार सौ हो तो मूलधन क्या होगा क्वेश्चन <coughs> मैंने इजी ना देके थोड़ा सा और लास्ट वाले से भी थोड़ा सा टफ कर दिया कर लोगे पर इतना भरोसा है मुझे कि आप कर लोगे आप लोग इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बताई है परसेंट भी बताया है रेशो भी बताया है दीपक नेक्स्ट मंथ आएगी साइंस की क्लास <coughs> नेक्स्ट मंथ एम पुलिस का बैच आ रहा है कॉन्स्टेबल का एस SI का साइंस की क्लास आ रही है फाउंडेशन बैचेस आ रहे हैं कई सारे नेक्स्ट मंथ कई सारे बैचेस की अनाउंसमेंट होने वाली है <coughs> सोनिया जल्दी हो जाएगा ओके okay, क्या आंसर आ रहा है 8800 चिराग ने सबसे पहले आंसर दिया है भाई इधर उसके बाद 8400 भी आ रहा है चलो अभी इधर ध्यान दो यार अभी क्लासेस को छोड़ो इसलिए मैं बीच बीच में तुम लोगों से बात नहीं करता हूं इधर उधर के हाँ देखो पहला तरीका अब देखो क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके का आया है तो ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज वाली मेथड जो है उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा बेटर कि हम इसको किस में करें रेशो में कन्वर्ट कर लें है ना तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से ब्याज की दर है तीन परसेंट अच्छा ये तो डायरेक्ट हो रहा है ना ये तो इजी है ठीक है ईयर्स आपको थ्री पॉइंट फाइव परसेंट है और समय कितना है छः साल छः का पांच तीस अट्ठारह और तीन मतलब टोटल कितना आ रहा है ट्वेंटी वन परसेंट आ रहा है अरे ये तो इजी वाला हो गया तो आपको पता है कि प्रिंसिपल हंड्रेड होता है और इंटरेस्ट हमें ट्वेंटी मिल रहा है जो कि फोर है ओके सो अड़तालीस हजार चार अगर वन ट्वेंटी वन परसेंट है अब देखो अगर हंड्रेड रखोगे तो प्रिंसिपल मूलधन मिलेगा पर उन्होंने इस बार क्या पूछा है उन्होंने पूछा है ब्याज बताओ इंटरेस्ट बताओ तो हंड्रेड मत रखो मैंने कहा जो रखोगे वो मिलेगा सो so, 121 वन का ये चार गुना होता है और ट्वेंटी का चार गुना क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका एटी ऑप्शन कौन सा हो रहा है ऑप्शन हो रहा है ए समझ गए सब लोग ये तो सिंपल था है ना मैं आपको इसको रेशो से भी करके बता दूंगा बाकी इस तरीके से करना ये वाला इजी रहेगा है ना एक साल का 3.5 तो थ्री इयर्स का टोटल इंटरेस्टी वन परसेंट मतलब इस, क्योंकि देखो, इसके अंदर दोनों चीजें जो उधार दिया प्लस जो ब्याज दिया ये टोटल फोर एट फोर डबल जीरो है अगर ये फोर एट फोर डबल जीरो हंड्रेड परसेंट रखोगे तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पूछा है ब्याज पूछा है तो ट्वेंटी वन रख दो सीधा आंसर आ जाएगा ठीक है अब अगर आप कहोगे सर इसको रेशो मेथड से बताओ तो मैं इसको रेशो से सॉल्व करके बता देता हूं अगर हम यहां देखें थ्री पॉइंट फाइव परसेंट तो इसका मतलब होगा थर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड का एक और जीरो क्योंकि पॉइंट लगाए है, है ना कैंसिल कर दो तो पांच से कैंसिल हो जाएगा सात बार पांच से अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा ये दो सौ बार ठीक है मतलब दो सौ का थ्री पॉइंट फाइव परसेंट कितना होता है सेवन होता है अच्छा ये एक साल का इंटरेस्ट है तो छह साल का कितना ये आ जाएगा टू तो देखो अगर 200 दो सौ रुपए उधार दोगे ये प्रिंसिपल है तो अमाउंट मिश्रधन क्या बनेगा एक साल का सात तो छह साल का बयालीस मतलब ये रेशियो क्या बनेगा टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी टू दोनों दो से डिवाइड हो सकते हैं ठीक है इसको अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो ये 100 बनेगा और इसको अगर शॉर्ट कर दूं तो ये 121 बनेगा अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट 121 होगा लेकिन रियल में अमाउंट कितना है रियल में अमाउंट है फोर एट फोर डबल जीरो जो कि ये अमाउंट है तो ये भी अमाउंट होगा 121 और आपसे पूछा है इंटरेस्ट इंटरेस्ट मतलब दोनों के बीच का अंतर दोनों में अंतर कितने का है ट्वेंटी का वही बात आ गई वापस से ये भी चार और आंसर आ गया आपका एटी तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि अगर रेशो से करना है तो कैसे और परसेंटेज से करना है तो कैसे नोट्स में ही आपको सब चीजें मिल जाएंगी है ना एक बार रिवीजन करना सब चीजें अच्छे से समझ में आएगी और नोट्स आपको इसीलिए देते हैं हाँ बबलू डबल से बता दिया ठीक है आया समझ में इट इज डेंजरस वाइटी बहुत सही गुरु जी अच्छा यार नाम क्या है तुम्हारा YouTube पे एक ये दिक्कत है कि नाम सही नहीं बताते कई लोग 2000 कैसे आया 2000 हजार कहां से आ गया यार 2000 तो लिखा ही नहीं मैंने कहीं इनको पांच से कैंसिल किया ना फाइव सेवन पांच सत्य पैंतीस और पांच से कैंसिल करोगे तो दो सौ सात बटे दो का मतलब क्या है कि दो सौ रुपए पे सात रुपए ब्याज लगेगा है ना एक साल का ब्याज सात तो छह साल का कितना बयालीस तो दो सौ रुपए दोगे तो बयालीस रुपए इंटरेस्ट लगेगा मतलब इसमें बयालीस मैंने जोड़ा है तो प्रिंसिपल और अमाउंट 200 242 दोनों को दो से कैंसिल किया 100 और 121 शॉर्ट कर दिया अब ये मूलधन है ये मिश्रधन मिश्रधन है है दिया हुआ है, तो मिश्रधन का भाग दिया मूलधन बोलते तो सौ का गुणा करते ब्याज पूछा है तो ट्वेंटी से मल्टीप्लाई किया ठीक है हां विनय बिल्कुल पीओ लेवल तक रेशियो से ज्यादा अच्छा है ओके चलो आगे बढ़ जाए अब नेक्स्ट फोर्टीन सेम क्वेश्चन है बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा करिए इसको एकदम नॉर्मल तरीके से करो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इजी दिए हैं टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट जल्दी आंसर आ जाएगा अच्छा नरेंद्र ठीक है स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि सही चल रहा है नंद कुमार बोल रहे हैं क्लास स्लो चल रही है <laughs> एक बोल रहे हैं सर स्लो पढ़ाओ एक बोल रहे हैं फास्ट पढ़ाओ अच्छा हर्षल अभी कहां से अजय अभी तो शुरू करिए क्लास कोई दिक्कत नहीं नरेंद्र स्पीड स्लो कर देते हैं बस ओके थैंक यू सोनी काश क्लास पहले लाते तो सिलेक्शन हो जाता शो भी कभी भी सिलेक्शन हो जाएगा जब जागो तब सवेरा ओके थैंक यू भाई हिंदुस्तान चलिए आपको देखो क्या बोला है दो साल बाद इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है पहले साल टेन परसेंट है दूसरे साल फिफ्टीन परसेंट है तो आपको एक बात पता है कि प्रिंसिपल तो हमेशा हंड्रेड परसेंट होता है है ना पहले साल ब्याज लगा दस दूसरे साल ब्याज लगा पंद्रह तो मतलब कहने का मतलब है कि टोटल अमाउंट कितना बन गया होगा वन बन गया होगा पहले साल का भाई सिंपल इंटरेस्ट में एकदम आसान सी बात है ना एक साल का ब्याज दस दूसरे साल का पंद्रह टोटल ब्याज कितना लग गया पच्चीस तो ये जो मुझे दिखाई दे रहा है दो साल बाद का ये वन ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो आपको कुछ नहीं करना था टू जीरो टू फोर जीरो है तो आप क्या करेंगे टू जीरो टू फोर जीरो वन ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब वन ट्वेंटी फाइव नीचे हंड्रेड ऊपर और अगर मैं आपकी जगह होता तो डायरेक्ट फाइव बाई फोर ही लिख देता है ना तो फाइव से आप इसको कैंसिल करोगे फोर से मल्टीप्लाई करोगे इंटरेस्ट तो नहीं पूछा है एक्स पूछा है मतलब हंड्रेड परसेंट ही आपसे पूछा है पांच से डिवाइड करोगे चार बार फिर भाग नहीं जाएगा फिर डिवाइड हो जाएगा चार बार और फिर आठ बार हो जाएगा अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आठ का चार गुना फिर चार और चार सोलह और तीन सत्रह का सात कैरी हो गया वन और चार और चार सोलह सेवन टू आ रहा है क्या नहीं कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने चार का दो कैरी तीन सोलह अच्छा सॉरी 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 उन्नीस वन सिक्स वन नाइन टू ठीक है वन सिक्स वन नाइन टू ऑप्शन नंबर बी ये अपना प्रिंसिपल है ये मूलधन है समझ गए होंगे सभी लोग ओके है गुड डेली क्लास की टाइमिंग सेवन थर्टी होती है ठीक है चलिए तो हमारा यहां पे आ गया है ये प्रिंसिपल अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहां तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इजी था दस परसेंट था अगर और कुछ आ जाता टू जीरो टू फोर जीरो लिखा है टू जीरो टू फोर जीरो करेक्ट है भाई टू जीरो टू फोर जीरो करेक्ट है चलो अब मैं आपको यहां पे ये यह बताना चाह रहा हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां तो 10 और 15 आ गया तो इजी है आप अगर रेशो मेथड से कर रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 अपॉन टेन ओके और 15% 15 पंद्रह बटे सौ की वैल्यू क्या होती है 3 बाई ट्वेंटी तीन बटे बीस ये सबको पता है 10% मतलब एक बटे दस और पंद्रह परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा पांच से तीन बार और पांच से बीस बार थ्री बाई ट्वेंटी मतलब दस रुपए पे एक रुपए ब्याज लगेगा और बीस रुपए पे तीन रुपए ब्याज लगेगा तो, केस में आप एक डिसाइड करोगे. तो दस और बीस से डिवाइड होने वाला प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ट्वेंटी रुपए तो पहले साल ट्वेंटी का दस परसेंट मतलब अगर प्रिंसिपल बीस रुपए होता तो बीस का एक बटे दस कितना होता है दो रुपे? तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा दो रुपए और फिर बीस का तीन बटे बीस मतलब कितना इंटरेस्ट होगा तीन रुपए तो टोटल इंटरेस्ट कितना लग गया पांच ओके तो अगर आपने उधार दिया होगा बीस तो अमाउंट कितना मिलेगा आपको पांच ब्याज मिलेगा मतलब कितना मिलेगा पच्चीस क्लियर है तो ये और शॉर्ट हो सकता है तो ये बन जाएगा आपका चार ये बन जाएगा आपका पांच ये रेशो आ गया ओके अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है टू जीरो टू फोर जीरो क्योंकि ये मिश्रधन है ये अमाउंट है तो हम डिवाइड करेंगे पांच से और मल्टीप्लाई करेंगे चार से समझ में आया आपको फिर से मैं बता रहा हूं यहां तो इजी है इसलिए आपका आंसर जल्दी आ गया पर सीख लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट टफ आ जाए तो क्या करेंगे ठीक है आप एसी वैल्यू डिसाइड करोगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए है ना तो 10 और 20 से डिवाइड मतलब एलसीएम लेना है तो 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा ट्वेंटी रुपीज होगा आप 20 मान लो 40 मान लो 60 मान लो 100 मान लो कुछ भी मान लो आंसर सेम आता है आंसर कभी नहीं बदलता है ना तो सपोज हमने ट्वेंटी रुपी लिया तो बीस रुपए का एक बटे दस होता है दो रुपए बीस रुपए का तीन बटे बीस होता है तीन रुपए तो पहले साल दो रुपए ब्याज लगेगा दूसरे साल तीन रुपए ब्याज लगेगा टोटल ब्याज कितना लगेगा पांच तो बीस पर पांच ब्याज लगेगा मतलब मिलेगा कितना पच्चीस बीस और पच्चीस का रेशियो क्या है चार और पांच अगर चार रुपए दोगे तो पांच मिलेगा मिला कितना है ये मिश्रधन है तो मिश्रधन का भाग दिया गुणा किसका कर दिया मूलधन का कर दिया समझ में आया ठीक है ऐसे भी हम कर सकते हैं अब जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं हम बस प्रिंसिपल और इनका रेट बनाते हैं मान लो इसी क्वेश्चन में आपको बोलते कि फर्स्ट ईयर 16 टू बाय थ्री परसेंट इंटरेस्ट लगा और सेकेंड ईयर 11 वन बाय नाइन परसेंट इंटरेस्ट लगा तो आपका आंसर क्या आएगा तो आंसर पे हम नहीं जाते हम ये सीखते हैं रेट मैंने बदल दिए इस रेट की जगह ये और इस रेट की जगह अगर ये आ जाए तो आप क्या करोगे ये मेरा सवाल है ठीक है तो मैं आपको करके बता देता हूं इसको आप क्या लिखोगे वन बाय सिक्स इसको आप क्या लिखोगे वन बाय नाइन तो आप प्रिंसिपल कुछ ऐसा मानो जो छे और नौ से कट जाए सिक्स और नाइन से डिवाइड हो जाए तो छे और नौ से कटने वाला नंबर क्या है एटीन हमने मान लिया अठारह रुपए ओके तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा अठारह का एक बटे छे छे अठारह मतलब तीन रुपए ओके okay. दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा अठारह का एक बटे नौ अठारह का एक बटे नौ मतलब कितना दो रुपए फिर से पांच आ गया मतलब प्रिंसिपल अगर अठारह रुपए होगा तो अमाउंट कितना होगा अमाउंट में जुड़ेगा थ्री प्लस टू फाइव अठारह और पांच जुड़ेगा तो तेईस तो आपका रेशो उस केस में क्या आ जाएगा उस केस में रेशो आएगा एटीन रेशो ट्वेंटी थ्री तो हम ट्वेंटी थ्री से डिवाइड कर देंगे और एटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे समझ में आ गया अगर परसेंटेज थोड़ा सा टफ आ जाए तो आप ऐसे कर लोगे। क्लियर है सभी को जल्दी से यस या नो बोलो फिर आगे बढ़ेंगे एक तो आप लोगों से बीच में बात नहीं कर सकते क्योंकि बात करना शुरू करी फिर आप लोग पता नहीं कहां कहां की बातें करते हो और आज तो यूट्यूब वाले लोग हैं तो वो तो और शैतान होते हैं बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं पेड कोर्स वाले बहुत अच्छे से चलते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं उन्हें रोज डांट पड़ती है यूट्यूब वालों को डांट नहीं सकते ओके है वेरी गुड एटीन रेशो ट्वेंटी थ्री ठीक है ओके है हाँ ये सब आगे आएगा ये सारी चीजें आगे आएंगी आप ये मत सोचो कि ऐसा मैंने नहीं बताया तो नहीं आपको पता है कुछ भी नहीं छूटेगा क्वेश्चन इतने सारे करेंगे कि हर चीज़ सीख जाओगे पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आराम से चलेंगे हर चीज़ समझते हुए चलेंगे तो चीज़ें बनेंगी एक साथ सारी चीज़ों की मैं बौछार लगा दूं बारिश कर दूं आपका दिमाग एकदम काम करना बंद कर देगा तो मुझे चैप्टर अच्छे से सिखाना है हर क्वेश्चन आपको बनना चाहिए इसलिए आराम से चलो हर चीज़ आपके सामने आएगी हर क्वेश्चन आपसे बनेगा ठीक है चलो इसको भी नोट्स में दे देंगे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बिना पेन उठाए पेन अगर चलाया तो बहुत बुरी बात हो जाएगी इस बार पेन कोई नहीं चलाएगा जल्दी से आंसर बताओ पांच सेकेंड का क्वेश्चन है ये बस ऐसा ना बोले <laughs> देखो क्या होता है यूट्यूब पे एक या दो बच्चे भी शैतानी करते हैं ना तो उसका उससे सबको भुगतना पड़ता है मजाक कर रहा हूं सीरियस मत लो इतना हाँ बबलू याद करते हैं आज तुम्हें तो दो बार याद कर लिया हां नियति ऐसा क्यों लग रहा है आपको ठीक है ट्वेंटी आंसर आ रहा है सबसे पहले आंसर आ गया है इसमें धर्मेंद्र का फिर फिर देवेंद्र नंद कुमार आकांक्षा कृष्णा लधु आशा और सब जगह लाइन लग गई है ओके okay, देखो क्वेश्चन बस इतना सा था मूलधन और मिश्रधन का ये अनुपात है है ना मतलब दस रुपए उधार दिए थे बारह मिले दो रुपए ब्याज मिला किस पे मिला दस पे ट्वेंटी परसेंट है ना दस रुपए थे वो बन गए बारह कितने रुपए इंटरेस्ट मिला दो रुपए इंटरेस्ट मिला और ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है तो इनके बीच का डिफरेंस इनके बीच का अंतर हमेशा क्या होता है ब्याज होता है तो ब्याज हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है प्रिंसिपल पे होता है तो प्रिंसिपल कितना है दस और मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से तो आपका आंसर आएगा ट्वेंटी परसेंट अगर आप इन्हें कैंसिल भी कर लोगे तो आंसर सेम आएगा ये मत बोलना कि सर कैंसिल कर लें तो क्या होगा सेम आएगा ठीक है गुड चलिए भाई आगे बढ़ जाएं बहुत आसान सवाल था आज तो आपको बहुत मज़ा आएगा कल से क्वेश्चन का लेवल देखना चलो इसका आंसर जल्दी से दे दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद इन टेन सेकेंड्स टेन सेकेंड्स के आप अच्छे से पढ़ लोगे तो फाइव सेकेंड्स का क्वेश्चन है मैं आपको करके बताऊंगा हाँ नियति आपने क्या कमेंट किया था देखो वैसे भी अगर ऐप पर भी क्लास चलती है तो भी कमेंट्स तो मिस हो जाते हैं इसे बुरा नहीं माना करो करिए भाई जल्दी से करिए सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखो सबसे पहले <laughs> अच्छा शोभिक ठीक है आंसर आ गया क्या देखिए यहां पर हमें क्या कहा गया है एक व्यक्ति कोई धनराशि पांच वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात पांच अनुपात दो है मूलधन और एक वर्ष के ब्याज का अनुपात क्या होगा है ना प्रिंसिपल एंड वन ईयर इंटरेस्ट देखो आपसे बोला है कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन ओके okay. और इंटरेस्ट बताना है वो भी केवल वन ईयर का ठीक है एक साल का आपको ब्याज बताना है ओनली वन ईयर का आपको इंटरेस्ट बताना है इसका रेशो बताना है है ना देखो प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होता है मूलधन तो हमेशा फिक्स होता है अगर मूलधन पांच है तो ये तो मुझे पता है कि यहां तो पांच ही आएगा कंफर्म है है ना लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये कितने साल का है आपसे बोला है पांच साल का पांच रुपए पे दो रुपए ब्याज लगा है ठीक है पांच रुपए पे दो रुपए ब्याज लगा है कितने साल में पांच साल में मतलब पर उन्होंने बोला एक साल का ब्याज बताओ तो दो रुपए ब्याज लगा है पांच साल में तो एक साल का ब्याज पॉइंट फोर होगा एक साल का ब्याज पॉइंट फोर होगा तो ये आ गया आपका पॉइंट फोर अब आपको पता है कि रेशो कभी डेसिमल में नहीं होता दशमलव में नहीं होता तो हम इसको आसान बनाने के लिए दोनों तरफ दस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो ये क्या बन जाएगा 50, और ये क्या टेन इंटू पॉइंट फोर क्या बन जाएगा फोर और कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव और ये बन जाएगा आपका टू मतलब करेक्ट आंसर है ट्वेंटी फाइव रेशो टू ऑप्शन नंबर टी देखो लॉजिक केवल इतना सा है कि दो रुपए ब्याज लगा पांच पर दो रुपए ब्याज लगा पांच साल में तो दो रुपए ब्याज पांच साल में तो एक साल का ब्याज कितना एक साल का ब्याज पॉइंट फोर तो प्रिंसिपल तो पांच है एक साल का पॉइंट फोर है शॉर्ट करा सॉल्व करा आंसर आ गया हमारा ट्वेंटी फाइव रेशो टू आदर्श चैप्टर की शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं है ना चिंता मत करो थोड़ा सा और अभी चलने दो दस पंद्रह दिन क्लासेस आने लगेगा समझ में हाँ ठीक है ये हो गया अब यह एवरेज मेथड है उन लोगों के लिए जिनको पूरा बेसिक बताना था आपको इतना करना नहीं है इतना कुछ नहीं करना है आपको पता है कि दो रुपये ब्याज पांच साल का है और अगर कभी भी रेशो फ्रैक्शन में हो तो बस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव रेशो टू इतना सा करना है, है ना वो तो मैंने आपको पूरा करके बताया रेशो में हमने सीखा है क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव डायरेक्ट आंसर आएगा आपका ट्वेंटी फाइव रेशो टू हाँ अरविंद बिल्कुल सही लधु ने भी बिल्कुल सही बोला है अमन दस इसलिए किया था क्योंकि हमें डेसिमल हटाना था दशमलव हटाना था नहीं तो फिर अगर मैं उसको कर देता तो फिर तुम पूछते कि सर कैसे कैंसिल किया इसलिए दशमलव हटाने के लिए हमने पूरी मेहनत की है वहां पे। ओके okay है ठीक है अच्छा आगे बढ़े तो करना केवल इतना सा है जैसा मैंने आपसे कहा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन को ओके पंकज राहुल आईबीपीएस की वैकेंसी आने वाली बस नेक्स्ट मंथ आ जाएगी ठीक है। क्लास का टाइम है जितेंद्र सेवन थर्टी ट्वेंटी वन हंड्रेड देखो आपको यहां पे मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको मैंने पहले ही कहा है कि अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा टफ कर दिया जाए तो बेटर है कि हम उसको किस में कन्वर्ट कर लें फ्रैक्शन में है ना साढ़े बारह प्रतिशत का मतलब होता है एक बटे आठ हर साल कितना ब्याज लगेगा एक बटे आठ लगेगा एक साल का ब्याज एक बटे आठ तो तीन साल का ब्याज कितना होगा तीन बटे आठ तो आपको पता है कि नीचे हम हमेशा क्या लेते हैं प्रिंसिपल और ऊपर हमेशा क्या लेते हैं इंटरेस्ट ठीक है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या बनेगा मूलधन और मिश्रधन का रेशो क्या बनेगा तो आपका जवाब क्या आएगा ठीक है आपका जवाब होगा देखो प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल कितना हो गया आठ ओके और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है तीन का तो एक बटे आठ का मतलब कि आठ पे एक रुपए ब्याज लगेगा है ना और ऐसा तीन वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि से पैंतीस सौ रुपए जो है कम है ठीक है तीन वर्ष का साधारण ब्याज अच्छा इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है आपसे जो पूछा है उस पर जाओ आपको एक्चुअल में ब्याज का ही रेशो बनाना है इंटरेस्ट का ही रेशो बनाना है तो इसका रेशो क्या बनेगा आठ पर तीन रुपए ब्याज लगा है देखो आप बोलोगे सर मिश्रधन क्यों नहीं लिया क्योंकि उन्होंने मिश्रधन की क्वेश्चन में बात नहीं करी उन्होंने क्वेश्चन में कंपेयर किसको किया है साधारण ब्याज और धनराशि उन्होंने क्या बोला साधारण ब्याज और धनराशि मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं इसलिए इतना करना ही नहीं है है ना ट्वेल्व परसेंट मतलब वन बाय बाईट तीन साल में कितना हो जाएगा 3 बाई एट मतलब आठ रुपए पर ब्याज कितना लगेगा तीन अब ध्यान से समझना इसके आगे वाली लाइन तीन वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से पैंतीस कम है थ्री इयर्स एट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट पर एनम इज रुपीज थर्टी फाइव हंड्रेड लेस देन इट्स प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कम है इतना पढ़ के ही आपका दिमाग चलना चाहिए मैंने पहले भी कहा है पूरे मैथ्स में कभी भी कम या अधिक शब्द आता है है ना लेस या मोर वर्ड आता है इसका हमेशा मतलब क्या होता है इसका हमेशा मतलब होता है कि वो डिफरेंस की बात कर रहा है है ना वो अंतर की बात कर रहा है ओके तो तीन साल के ब्याज और प्रिंसिपल में कितने का अंतर है तो आप कहोगे पांच का लेकिन रियल में डिफरेंस कितने का है थर्टी फाइव हंड्रेड का तो एक की वैल्यू कितनी होगी सात सौ पूछा क्या है साधारण ब्याज बताओ तो ब्याज कितना है तीन केवल तीन से मल्टीप्लाई करना है आपका आंसर आएगा ट्वेंटी वन हंड्रेड रुपी ऑप्शन नंबर ए समझे या नहीं समझे क्लियर है जल्दी से बता दीजिए है ना हमने अमाउंट अगर मान लो यहां अमाउंट लेना ही होता तो आठ और तीन कितना होता ग्यारह पर उसकी जरूरत ही नहीं है ना क्वेश्चन में मिश्रधन की कोई बात ही नहीं कर रहे अमाउंट की बात ही नहीं करी इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है ना उन्होंने बोला है अल्टीमेटली इस लाइन का कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल और तीन साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस थर्टी है, है ना तो दोनों के रेशो में डिफरेंस कितने का है फाइव का रियल में डिफरेंस थर्टी फाइव हंड्रेड का है वन की वैल्यू सेवन हंड्रेड तो इंटरेस्ट कितना होगा इंटरेस्ट होगा थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया ट्वेंटी वन हंड्रेड रुपी समझ में आया सभी को ठीक <laughs> है देखो शुरुआत के किसी भी चैप्टर के जो शुरुआत के तीन से चार टाइप होते हैं ना उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं मतलब सब अलग अलग होते हैं इसके आगे जो टाइप आएंगे वो फिर एक जैसे चलेंगे आपने हर चैप्टर में ऐसे ही पढ़ा है है ना इसके बाद जैसे अब कल हम करने वाले हैं गुना वाले क्वेश्चन चार वर्ष में दस गुना तो कितने वर्ष में अठारह गुना फिर जब वो आएगा तो पूरे टाइप में एक जैसे क्वेश्चन चलेंगे शुरुआत के क्वेश्चन मिक्स होते हैं टाइप जो है मिक्स होते हैं क्लियर है आदर्श समझ में आ गया ओके है ठीक है सो क्या कहा मैंने 12.5 पॉइंट परसेंट एक साल का ब्याज एक बटे आठ एक साल का एक बटे आठ तो तीन साल का कितना तीन बटे आठ तीन बटे आठ का मतलब कि आठ पर तीन ब्याज लगा है ना पर क्योंकि अमाउंट की बात नहीं है तो हमने उन्हें प्लस नहीं किया आठ पर तीन ब्याज लगा और दोनों का डिफरेंस कितना है पांच क्योंकि उन्होंने बोला है साधारण ब्याज धनराशि से पैंतीस कम है तो ब्याज प्रिंसिपल से कितना कम है कितना अंतर है पांच का रियल में कितना कम है पैंतीस सौ बराबर सात सौ बराबर इक्कीस ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला देखने पे मत जाना बहुत इजी क्वेश्चन है अगर अच्छे से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया सबसे बन जाएगा ये वाला ठीक <coughs> है ओके okay. चल देखो आप यहां पे समझना देखो ये भी एक बिजनेस होता है कई लोगों का वो अपनी जेब का कुछ नहीं लगाते मैं आपको क्वेश्चन का बेसिक बता रहा हूं सुनना कई लोग क्या करते हैं किसी से पैसा लिया कम ब्याज पे और किसी को दे दिया ज्यादा ब्याज पे पैसा उनका है ही नहीं किसी से लिया किसी को दे दिया जो डिफरेंस आया वो अपना प्रॉफिट समझ में आ रही बात और यही इस क्वेश्चन में चल रहा है एक व्यक्ति ने किसी से पांच हजार रुपए लिए उसने कम इंटरेस्ट पे लिया और उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे दे दिया तो हमें मतलब किससे है प्रॉफिट कब होगा जब यह पता चलेगा कि दोनों कंडीशन में डिफरेंस कितने का है सुनना बात को उसने पांच लिए किसी से और उसने चार परसेंट पे लिया कितने साल के लिए दो साल के लिए मतलब उसको कितना ब्याज देना है आठ परसेंट ब्याज देना है तुरंत यह पैसा उसने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया सिक्स वन बायर सिक्स वन बाय फोर को सिक्स पॉइंट टू फाइव भी लिख सकते हैं यह आपको पता है है ना और उसको भी कितने साल के लिए दिया दो साल के लिए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका भी हमने मल्टीप्लाई किया भी था तो यह आएगा ट्वेल्व अब देखो प्रॉफिट की बात है उसको कितना इंटरेस्ट देना है आठ परसेंट लेकिन उसने जिसको दिया उससे वो कितना ब्याज लेगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस उसका प्रॉफिट कितना है बैठे बैठे उसने साढ़े चार परसेंट कमा लिया किसका साढ़े चार परसेंट कमाया पांच हजार का तो पांच हजार का फोर पॉइंट फाइव परसेंट निकाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है डेसिमल हटाओगे एक जीरो बढ़ेगा तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल पैतालीस का बस पांच गुना करना है टू ट्वेंटी फाइव रुपीज उसने प्रॉफिट कमाया इस ट्रांजेक्शन में ऑप्शन नंबर सी समझे बात सभी वेरी गुड क्या बोलना चाह रहा हूं मैं फिर से बता रहा हूं सुनो उसने पांच हजार रुपए लिए और किसी को दे दिए उसे कितना देना है ये उसका केस है उसने लिया चार परसेंट पर दो साल के लिए मतलब उसको ब्याज देना है आठ परसेंट लेकिन जिसको उसने उधार दिया उससे वो बोलेगा कि भाई मैं आपको 6.25 परसेंट पे दे रहा हूं दो साल के लिए मतलब उससे ब्याज कितना लेगा 12.5 तो इतना तो उसको देना है तो जितना डिफरेंस उसका है, तो उसका प्रॉफिट है 4.5 परसेंट फाइव 5000 का डायरेक्ट करो आंसर आएगा आपका 225 ओके okay. समझ में आया सिंपल है तो अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना कई बच्चे पहले पांच हजार पे ये कैलकुलेट करेंगे फिर इस पे करेंगे नहीं डायरेक्ट डिफरेंस लोगे जल्दी आंसर आएगा आपका क्लियर है यहां तक सभी को ये बिजनेस बेस्ट है <laughs> सही बात है अमन ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अभी तुम लोग रहने दो अभी इसके लायक नहीं हो इस क्वेश्चन को करेंगे ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है नहीं तो कल बताऊंगा मैं इसको आपको नोट्स में दूंगा मैं ठीक है इसको कल बताऊंगा इसको करें अभी आप बहुत इजी क्वेश्चन आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद बस एक और क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास आई थिंक इतनी सफिशियंट है दो क्वेश्चन और करेंगे हम इसको मिलाकर अच्छा आदर्श अच्छे से समझ में आ रहा है वो वो ही आगे भी सिंपल आएगा हाँ अभिषेक कर सकते हैं वैसे भी करीब भाई इधर ध्यान दीजिए सब लोग जल्दी से आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन राशिद नेक्स्ट मंथ आएगा नेक्स्ट मंथ अब जितने भी बैचेज हैं नेक्स्ट मंथ आएंगे <laughs> चलो देखो इधर सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का है ना आपसे कहा है कुछ रुपए पहले पांच साल के लिए छह परसेंट पर उधार दिए गए अगले तीन साल के लिए चार परसेंट पर उधार दिए गए और आखिरी दो साल के लिए तीन परसेंट पे उधार दिए गए इस प्रकार टोटल दस साल हो गए पांच तीन आठ रो दो दस टोटल हो गए टेन ईयर्स और टेन ईयर्स में टोटल इंटरेस्ट कितना है चौबीस हजार रुपए है ओके देखिए देखो यहां क्वेश्चन में वो इतनी सी बात बोलना चाह रहा है कि पूरे समय तक एक जैसा ब्याज नहीं चला ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा हुआ पहले पांच साल तक छह परसेंट ब्याज लगेगा तो एक साल का छ तो पांच साल का ये सब इयर्स में है ना ध्यान रखना है ना एक साल का 6 तो पांच साल में कितना इंटरेस्ट लगा होगा थर्टी परसेंट एक साल का चार तो तीन साल में कितना इंटरेस्ट लगा होगा बारह परसेंट एक साल का तीन तो दो साल में कितना इंटरेस्ट लगा होगा छह परसेंट जोड़ दो सभी को तो देखो थर्टी प्लस ट्वेल्व फोर्टी टू प्लस सिक्स टोटल दस साल में कितना इंटरेस्ट लगा फोर्टी एट तो परसेंटेज में टोटल इंटरेस्ट है फोर्टी एट और रुपए में वही है ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो चौबीस हजार रुपए अगर फोर्टी एट परसेंट है तो हंड्रेड परसेंट क्या अड़तालीस का पांच गुना दो सौ चालीस होता है फोर्टी एट का फाइव टाइम्स तो ये कैंसिल होगा आपका कितनी बार पांच सौ बार पांच सौ और हंड्रेड का मल्टीप्लाई करोगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फिफ्टी थाउजेंड प्रिंसिपल पचास हजार रुपए मूलधन ऑप्शन नंबर ए समझ में आया सभी को वेरी गुड क्लियर है मतलब सिंपल है पांच साल तक छह परसेंट मतलब थर्टी परसेंट तीन साल तक चार परसेंट दो साल तक तीन परसेंट तो टोटल फोर्टी एट परसेंट इंटरेस्ट है और रुपीज में टोटल इंटरेस्ट कितना है ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो चौबीस हजार रुपए अगर फोर्टी एट परसेंट हंड्रेड परसेंट क्या होगा यह आंसर है वेरी गुड सभी जगह आंसर्स ही आंसर्स हैं आज ठीक है चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे एज इट इज क्वेश्चन दे रहा हूं जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जल्दी से सब लोग इसको करेंगे पढ़िए इसको जल्दी से सेम क्वेश्चन है थोड़ा सा लैंग्वेज में ध्यान रखना बस अगर आप जल्दी जल्दी में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा आराम से चलना मस्त आपका आंसर आ जाएगा ठीक है कन्हैया कह रहे हैं कि कोचिंग वालों ने बस पी आर टी पी आर इंटू टी तक सीमित रखा चैप्टर तो आप कल देखना अभी चैप्टर शुरू हुआ नहीं है आज तो बस छोटी छोटी चीजें बताई है आप कल की क्लास देखना कल आपको लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का रियल अवतार क्या है आज तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग कल जो क्लास रहेगी वो बहुत मजेदार रहेगी ठीक है देखो क्वेश्चन को करेंगे हम सबसे पहले अगर आपने एक शब्द पे ध्यान दिया हो तो यहां टोटल ग्यारह वर्ष बोला है ओके okay? सो so, नितिन पहले तीन साल तक इंटरेस्ट लेगा ठीक है अगले पांच साल तक नौ परसेंट इंटरेस्ट लेगा और आठ वर्ष के बाद देखो टोटल कितने साल हो गए आठ टोटल होने चाहिए ग्यारह वर्ष इलेवन ईयर्स इलेवन में से पांच और तीन आठ हो गए तो बचे कितने तीन और अब तीन साल तक कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा तेरह यहां सब लोग गलती कर देते हैं समझे उन्होंने कहा है, टोटल साल है टोटल अगले तीन साल तक तेरह परसेंट लगेगा मतलब थर्टी नाइन परसेंट तो प्लस कर दो सबको जल्दी से तो आठ पांच तेरह और नौ कितना हो जाएगा आपका टू कैरी हो जाएगा आपका टू और चार तीन सात आठ और दो दस वन जीरो टू परसेंट इंटरेस्ट लगा भाई है ना तो टोटल इंटरेस्ट है वन जीरो टू परसेंट जबकि रियल में इंटरेस्ट है एट वन सिक्स जीरो ओके सो एट वन सिक्स जीरो अगर वन जीरो टू परसेंट है तो हंड्रेड परसेंट क्या बस इसको सॉल्व कर लो ध्यान से देखोगे तो जस्ट आठ गुना है ये एट टाइम्स कैंसिल होगा तो ये आ गया आपका एट्टी इंटू हंड्रेड प्रिंसिपल जो आएगा वो क्या आएगा एट थाउजेंड इस बार इंटरेस्ट एक सौ दो परसेंट लगा है इसलिए आंसर ज्यादा आ रहा है करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योति ऐप का नाम है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको क्लियर है समझ में आया आठ हजार कैसे आएगा गलत किसका हुआ होगा जिसने यहां पे आठ रख दिया वो देखते हैं आठ वर्ष के बाद आठ वर्ष नहीं बोला है आफ्टर एट इयर्स आठ साल होने के बाद तो यहां तो वैसे भी एट इयर्स हो गए आठ साल हो गए और टोटल उन्होंने पहले ही कहा कि ग्यारह साल होने चाहिए मतलब यहां क्या आएगा तीन आएगा ओके okay. <coughs> तो यहां पर अपना बेसिक पार्ट पूरा खत्म होता है आज हमने जितना भी देखा है ये केवल सिंपल इंटरेस्ट का सबसे इजी और बेसिक टाइप्स थे ये है ना इजी और बेसिक टाइप्स जितने हो सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए अब कल से हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा और कल से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग समझेंगे है ना उम्मीद है कि आप सभी को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी है ना और जिनको भी थोड़ा बहुत भी अगर कन्फ्यूजन है एक बार ऐप ऐप पर भी रहेगा खैर यूट्यूब पर भी है ये वाला वीडियो तो तो आप एक बार फास्ट स्पीड बढ़ाना ऐप में भी और इसको एक बार जल्दी से पूरा देख लेना हंड्रेड परसेंट समझ में आ जाएगा कल रिविजन करके जरूर आना ठीक है <laughs> नहीं अमृत बनेंगे कल भी क्वेश्चंस बनेंगे ठीक है जैसे आगे के क्वेश्चन खेर अभी कंप्लीट नहीं है मैं आपको दिखा देता हूं जैसे आप ये क्वेश्चन अगला पढ़ोगे तो ही आप थोड़ी देर सोच में पड़ जाओगे कि इसमें क्या करना है है ना तो अब क्वेश्चन बहुत मजेदार आएंगे इसके बाद इसके बाद लेवल अच्छा बढ़ेगा मजा आएगा तो अभी इतना रोकते हैं बाकी कल समझेंगे है ना ओके <coughs> okay. देखो अब मैं जल्दी से उन बच्चों को इंफॉर्मेशन दे दूं अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो विनर्स की ऐप पर आप कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाओ विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करो और वहां पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर सकते हो लास्ट चांस है पेड कोर्स में अभी तक कौन कौन से टॉपिक गए मैं बता देता हूं जब भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे पुरानी क्लासेस आपको मिल जाएंगी परसेंटेज पूरा हो चुका है रेशो हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है और कैलकुलेशन की मैंने बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ाई है और अब आज से नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है सिंपल इंटरेस्ट तो देखा जाए तो कोर्स बहुत कम हुआ है क्योंकि टोटल मैं आपको थर्टी थ्री टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं सिक्स टू सेवन मंथ्स का ये कोर्स है और एकदम बेसिक से एडवांस हर चैप्टर की शुरुआत और एंड बहुत अच्छे से होता है तो आप इसको अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अभी सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है फिर कंपाउंड इंटरेस्ट तो पहले पूरा अरिथमेटिक होगा फिर पूरा एडवांस मैथ्स होगा कंप्लीट थर्टी थ्री टॉपिक्स वन ईयर की वैलिडिटी में आपको मिलेंगे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फीस बहुत कम है वन ट्रिपल नाइन है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ओके <coughs> okay? और जो बच्चे ऐप पर हैं जिन्होंने आज एडमिशन लिया है आप पुरानी क्लासेस देखो जो <coughs> जिन्होंने आज एडमिशन लिया है और जो आज क्लासेस देख रहे हैं आप परसेंटेज और रेशो की वैसे तो परसेंटेज रेशो बहुत डीप में मैंने पढ़ाया है एटलीस्ट शुरू के दो से तीन क्लासेज आप दोनों की देख लो है ना तो दो से तीन क्लास आप देख लोगे आपको किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी और फिर समय मैनेज करो और जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप जरूर देख लेना ठीक है क्योंकि परसेंटेज मैंने लगभग सिक्सटीन टू एटीन आवर्स का पढ़ाया है रेशो अप्रोक्स 12 आवर्स का है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोक्स 16 आवर्स का है इतना मैंने इसमें पढ़ाया है कैलकुलेशन भी करीबन एट आवर्स का तो होगा और अब सिंपल इंटरेस्ट है तो बहुत डीप में एक एक चीज एक एक टाइप आपको पढ़ना है रिविजन करना है ठीक है ओके शशांक थैंक यू चलिए भाई मुझे उम्मीद है आज सबको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी हा YouTube वालों के लिए सरप्राइज कल बताऊंगा मैं सरप्राइज उनके लिए बस इतना है कि कल भी YouTube पे क्लास फ्री रहेगी ठीक है सो जो आज थे आज आपने पढ़ा है कल भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा टेलीग्राम पे आ, देखो इसके नोट्स तो केवल पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेंगे बाकी लोग आप स्क्रीन ले सकते हो पेड कोर्स में आपको पता ही है पंद्रह से बीस मिनट के अंदर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और डाउनलोड करने का ऑप्शन एक से दो घंटे में आ जाता है ना बाकी आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट सारी चीजें आपको मिल जाएंगी विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करो उसको ज्वाइन कर लो हां कीर्ति आपका कमेंट दिख रहा है मुझे अच्छा बो भैया तो बहुत अच्छी बात है ठीक है चलिए भाई सो सभी को गुड नाइट ध्यान रखिए अपना YouTube वाले वीडियो को लाइक करके जाना नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेना अच्छा लगता है तो ओके थैंक यू बाय गुड नाइट ध्यान रखिए सब लोग अपना बाय